अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाएं और आपको पता चल सके जो अब हम स्टार्ट करने वाले कोर्स उसका कितना पोटेंशियल है और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, जो आप सबको ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स कोई 3 मंथ का नहीं, 6 मंथ का नहीं, साल का नहीं, मीन्स कि आप लर्निंग करेंगे नहीं। जैसे जैसे आप चीज़ों को लर्न करते जाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क करते जाएंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा कोर्स के लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट और एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी, ताकि हम अपने काम को अच्छी तरह कर सकें, प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। एक अच्छा नेट और एक लैपटॉप की। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं तो उसका भी एक सलूशन है गूगल ट्रांसलेटर। मैं खुद यूज करता हूँ गूगल ट्रांसलेटर, काफी लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो आपकी बस कम्युनिकेशन मीन्स के इंग्लिश इतना प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने कोई चीज मीन्स के क्लाइंट से निगोशिएट करनी है या कोई भी सिस्टम है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर इजिली यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, बातें थी, मैंने सोचा क्योंकि ना आपसे कोर्स स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दी जाए कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चीज़ों को साथ साथ लर्न करना है। जैसे जैसे हम लर्निंग करते जाएंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे, विद इन अ मंथ तो हमारी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपके पास एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट। और इंग्लिश के लिए जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि हम गूगल ट्रांसलेटर को यूज करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर इजीली हम यूज कर सकते हैं। मैं भी यूज करता हूं, मैं आपको भी यूज करना सिखाऊंगा। बस इन चीजों का होना आपके पास जरूरी है और हम ये कोर्स कहीं भी किसी भी जगह पे स्टार्ट कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। चलें अब हम कोर्स की बात स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई एम ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं बैकलिंक्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फाइवर पे और बहुत से अदर प्लेटफॉर्म्स पे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स क्या नहीं होता, तो मैं आपको मुकम्मल डिफाइन करता हूँ कि बैकलिंक्स होता क्या है। बैकलिंक मींस आपकी साइट या आपके क्लाइंट की साइट का लिंक किसी और दूसरी साइट पे, अथॉरिटी साइट पे या ऐसी रैंक साइट पे पेस्ट करना, मींस के आपकी साइट का लिंक दूसरी साइट की साइट पर मौजूद होना एक आसान अल्फाज पे, इज कॉल्ड बैकलिंक्स। जैसे एक न्यू साइट होती है तो हम अपनी साइट का लिंक्स, क्लाइंट्स जो होते हैं लिंक बिल्डिंग करवाते हैं, अपनी साइट का बैकलिंक्स भी सही कहते हैं, लिंक बिल्डिंग भी सही कहते हैं। बेसिकली क्लाइंट बैकलिंक्स की सर्विसेज बाय करते हैं अपनी साइट्स को रैंक करने के लिए। बैकलिंक्स लिंक बिल्डिंग की काफी टाइप्स होती है, लाइक गैस पोस्ट होती है जो पेड होती है, लेकिन जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ ये बिल्कुल फ्री होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गैस पोस्ट क्या होती है, गैस पोस्ट भी एक बैकलिंक्स की टाइप है लेकिन ये पेड होती है। मीन्स कि हमारी साइट का आर्टिकल या हमारा कोई साइट का स्पेसिफिक पेज हम किसी और की साइट पर पब्लिश करते हैं तो हमसे चार्ज करते हैं, लेकिन उसी का काम हम जो मैं करता हूँ बैकलिंक ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इजी काम है। इवन कि मैं एक एक लिंक का $5 भी चार्ज करता हूँ। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने $50 के 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो आप यही समझेंगे अगर आप एक मंथ में $100 के 5 ऑर्डर भी कंप्लीट करते हैं तो आप $500 अर्न करते हैं, और $500 एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, मीन्स एक 1 लाख PKR से ऊपर बनती है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल वर्क मेरे साथ करते जाएंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो साथ ही साथ आपको काम करने में मजीद और मजा आता जाएगा और आप मेरी तरह एक अच्छे खास लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो आपने सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैकलिंक्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। बस आपने वीडियोस को एंड तक देखते रहना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हर चीज, ऑल ईच एंड एवरीथिंग क्यूरीज क्लियर करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपने इस वीडियो को देखना है अच्छे से, चीज़ों को लर्न करना है और प्रैक्टिकल वर्क करना है। मेरा बेसिकली मकसद यही है कि मींस कि आप चीज़ें जल्द से जल्द लर्न करें और फिर आप अर्निंग वाली साइड पर आ जाएं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्दी अर्निंग वाली साइड पर आ जाएंगे और चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएंगी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैकलिंक्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स कौन से होते हैं और मैं कौन से बैकलिंक्स प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप कम से कम टाइम में इस स्किल को लर्न करें और अर्निंग वाली साइड पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे बैकलिंक्स के बारे में, जो अपनी सर्विस में प्रोवाइड करता हूँ, जो हम इस कोर्स में एक्चुअली सीख रहे हैं बैकलिंक्स के बारे में। तो एक बार फिर अगेन रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, लेकिन एक बार मेरा दिल कर रहा है मीन्स कि मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ, ताकि आपको मीन्स अच्छे से याद हो जाए। बैकलिंक्स बेसिकली क्या होते हैं? बैकलिंक्स लाइक आपकी साइट या क्लाइंट की साइट का लिंक किसी और साइट पर मौजूद होना, आसान वर्ड में इट्स कॉल्ड बैकलिंक्स।
इससे ये होता है कि मीन्स के साइट की अथॉरिटी पास होती है, उस साइट पे कोई विजिटर आएगा तो उसके थ्रू आपकी साइट पे आएगा, तो क्लाइंट इसलिए हमसे लिंक बिल्डिंग करवाते हैं अपनी साइट को रैंक करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक गेट कर सकें, अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सके। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स की। उससे पहले मीन्स के ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हम ये लास्ट टाइम मैंने यही कहा था कि हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे, ताकि साथ के साथ हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें। मेरा जो मेन पर्पस फोकस है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जैसे आप प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें आपके साथ साथ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता मीन्स के आप 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ इसमें खपें। बैकलिंक्स के टाइप तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको हर चीज कोर्स में सिखाऊंगा A to Z, लेकिन जो बैकलिंक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट मजे से आसानी से जो परचेज करते हैं बाय करते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि मीन्स के मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ, मीन्स कैसे बनाता हूँ, वो तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे। लेकिन टाइप्स बहुत ज्यादा है बैकलिंक्स की, लेकिन मैं स्पेसिफिक बैकलिंक्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। बस मेरा जो मेन पर्पज है फोकस है मीन्स यही है कि आप जल्द से जल्द प्रैक्टिकल काम को लर्न करें और साथ में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए कोर्स के दौरान ही बिटवीन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब चीजों को समझ आएगी और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह वो तो मैं क्लियर करूंगा ही। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की तरफ और अपना फिर मीन्स के लर्निंग वाली साइड पर स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मीन्स के अभी अभी क्लाइंट्स को अपनी सर्विस को बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी स्किल सीख के क्लाइंट्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम अरसे में अर्निंग वाली साइड पर हम गामजान हो जाएंगे, अर्निंग वाली साइड पर हम आ जाएंगे, ताकि साथ के साथ हम वर्क भी करते रहेंगे और साथ साथ हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह चलें फिर अब चलते हैं बैकलिंक साइड पर प्रैक्टिकल वर्क अपना स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ बैकलिंक्स कौन कौन सी होती है, ताकि मैं आपको इजिली वे में से डिफाइन कर सकूं। चलें लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट टुडे वर्क। आज बात करते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। ये सबसे पहले मैंने एक टेम्प मेल ओपन कर ली है। अगर आपके पास मेल नहीं है तो आप टेम्प मेल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने गूगल से भी डायरेक्ट मीन्स के साइन अप कर सकते हैं या अपनी मेल और पासवर्ड दे सकते हैं। इधर आप तो अभी हमने गूगल से ये साइन अप कर लिया। प्रोफाइल बैकलिंक की पूरी शीट है मेरी 4-5 साल की जो मेहनत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ढूंढने ना पड़े। ये हमने इसे साइन अप कर लिया है, हम साइट के अंदर चले गए हैं। अब जिस तरह प्रोफाइल होती है किसी भी चीज की प्रोफाइल्स बनती है उसके अंदर अब हम जाके अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। अब ये जो मीन्स के ये मैंने कोई भी पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं अपनी साइट के अकॉर्डिंग, जो आपकी साइट है जिस नेचर में रिलेटिव है वो पिक्चर आप उसकी प्रोफाइल पे जाके अपलोड कर देंगे। इधर आप नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नाम भी लिख सकते हैं, सेकंड नाम भी लिख सकते हैं और इसके बायो में साइट से रिलेटेड डाटा डालेंगे। ये मीन्स सारी मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आपको परेशानी ना हो ढूंढने के लिए। इसके अलावा जो इसमें आपने बायो में डाटा पुट करना, आप ये गूगल से भी ले सकते हैं, साइट से भी ले सकते हैं, मीन्स के जिस साइट पर आप लिंक बना रहे हैं जिस साइट के लिए। मैंने थोड़ा डाटा सेव किया हुआ है, तो मतलब अब इसमें डाटा को मीन्स के मैंने ऑलरेडी सेव किया, इस डाटा को मैं कॉपी करूंगा और उधर बायो में जाके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया बायो में जाके और इसका एड्रेस वगैरह भी समटाइम अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। काफी जो लोकेशन मांगते हैं आप मीन्स के जो साइट पे लोकेशन है वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स के हमने एक बैक लिंक शो करना है साइट पे, साइट का लिंक शो करना है कि ये साइट हमारी साइट से रिलेटेड है। तो प्रोफाइल बैक लिंक ये मीन्स के यही होते हैं कि मीन्स के जो डिफरेंट साइट्स होती है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, उनके प्रोफाइल्स में जाकर हम लिंक लगा देखें। अब ये लिंक हमारा बन चुका है, हम इसे दूसरे टैब में ओपन करते हैं। ये सारे जो मैंने लिंक्स, मेरी 4-5 साल की मेहनत है, मैंने शीट्स बनाई हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ढूंढने प्रॉब्लम। अब आपको ये डीए नजर आ रहा है, डीए डीए मीन होता है डोमेन अथॉरिटी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल आपको ब्रीफ करूंगा कि क्या चीज होती है और हम इसे मोस्ट के थ्रू देखते हैं। क्लाइंट हमेशा जो होते हैं हाई मीन्स के डीए की साइट्स को प्रेफर करते हैं। ये मैंने वेबसाइट, ये मैं एक शीट बना रहा हूँ अपना रिकॉर्ड रखने के लिए। देखा मैंने इसका डीए चेक करा है साइट्स का, तो इसका डीए 56 बता रहा। फिर मैं अगेन टैम मेल पे गया हूं। अब मैं एक न्यू बैकलिंक बनाने के लिए, अगर तो मेल आपके पास अपनी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप टैम मेल भी यूज कर सकते हैं। इस डाटा को हम कंप्लीट करते हैं। इधर पासवर्ड, नेम, ये जो हमने ऑलरेडी लिखा था, मीन्स आपका बैकलिंक, आपकी साइट का डीए, यूआरएल, हमें अपनी शीट में, क्योंकि हमने क्लाइंट को भी तो एक शीट सेंड करनी है ना, तो इसलिए हम उसे फिर सेव कर रहे हैं कि हमने किस साइट पे बैकलिंक बनाया, किस साइट पे क्या सिस्टम किया। होप सो आपको समझ आ रही हो। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप मीन्स के पोस्ट कर सकते हैं। अब हम एक और बैकलिंक की तरफ जाते हैं, एक और प्रोफाइल बैकलिंक बनाते हैं। सबसे पहले हमने उसका डीए चेक किया। ये मोज की एक्सटेंशन होती है, मीन्स इसका डीए 92 है, मोज की एक्सटेंशन होती है। मोज का एक अकाउंट होता है फ्री का जो आप यूज कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए।
तो अब हम इंडीगो इसके ऊपर हम बैक लिंक बनाने लगे। मीन्स इसकी प्रोफाइल्स के अंदर जाकर हम अपना लिंक, अपने अपनी साइड लिंक, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होती है, इंस्टा की होती है, पिंटरेस्ट की होती है, उसकी प्रोफाइल के डाटा के अंदर जाके हम अपनी साइट का हमने लिंक लगाना था, डैट्स कॉल्ड प्रोफाइल बैक लिंक। चले अब हम यहाँ पे नेम को ऐड वगैरह करते हैं। मीन्स कि आपने अपनी साइट का ही नाम रख दिया, सेकंड नेम भी आप ऐसे रख सकते हैं, मेल ऐड कर दी, कोई भी पासवर्ड दे दिया ताकि आपको याद रहे। सेम अगेन मीन्स के जाके आप उसी तरह मीन्स के आप न्यू लिंक बनाएंगे साइट पे, वही मेल दे दी, वही मेल पासवर्ड दे दिए। कल अगर हमें ओपन करना पड़े, कोई चीज चेंजिंग करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ये जो ऑलरेडी हमने पहले प्रोफाइल बैक लिंक्स, या हम न्यू प्रोफाइल बैक लिंक पर हमने साइन अप कर लिया, इसके अंदर जाके सम टाइम ये होता है कि मेल की वेरिफिकेशन आती है तो हम अपनी मेल की वेरिफिकेशन भी करते हैं, बहुत कम अर्से में, बहुत कम होता है। अगर तो आप अपनी पर्सनल मेल आप वो भी यूज कर सकते हो। सेम फिर हमने डाटा कॉपी किया, इसकी प्रोफाइल के अंदर गए, बायो में जाके अपना डाटा पेस्ट कर देंगे, और जहां पे लिंक का ऑप्शन होगा साइड लिंक पेस्ट करने का, वहां पे हमने लिंक लगा देंगे, इसकी भी हम प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हमें साइड वेबसाइट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, साइड अपने साइट का मीन से लिंक पुट करने के लिए, तो हम यहाँ अपनी साइट का लिंक पेस्ट कर देंगे, तो डैट्स का एक और प्रोफाइल बैक लिंक्स बन गया। पूरी हमारे पास, पूरी मेरी जो मेहनत है मीन्स के जो काम है, पूरी मेरे पास शीट है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो प्रोफाइल बैक लिंक्स बनाने के लिए, साइट्स को ढूंढने के लिए। मेरा बस यही काम है कि आप जल्द से जल्द काम स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करो, आप अर्निंग की साइट पर आ जाएं। तो ये फिर हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माई चैनल। तो आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने चैनल में, उमर मलिक में। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोफाइल बैक लिंक्स की, और आज हम बात करेंगे वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स की। ये भी बैक लिंक्स की एक टाइप है, जो एक मीन्स के हाई अथॉरिटी साइड वेबसाइट्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी साइट लाइक अदर साइड गूगल्स, टम्बलर, और जो बहुत बड़ी 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 साइट्स हैं लाइक वर्ल्ड प्रेस, बहुत से ऐसी साइट्स हैं जो सिंगल पेज साइट्स मीन्स के बनाना अलाउ करती हैं, एक पेज प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे हम एक सिंगल पेज साइट इजीली बना सकते हैं। इट्स कॉल्ड वेब पॉइंट टू बैक लिंक। वेब पॉइंट टू बैक लिंक बहुत ही अथॉरिटी बैक लिंक्स होते हैं, क्लाइंट बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। तो आज हम मीन्स के चलते हैं वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स की तरफ। वेब पॉइंट टू बैक लिंक बहुत ही ईजिली है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली आप लर्न कर लेंगे। बस अब मेरा सिस्टम है, आपको वो चीज़ें बेसिकली समझा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल आप जैसे मीन्स के आप सीखें और प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। तो अब चलते हैं लाइक अपनी वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स की तरफ से। इजीली आपको इजी वे में समझाता हूँ वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स कैसे बनाने हैं, आपने कैसे नहीं बनाने, क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करने हैं, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है। जैसे जैसे आप ये चीज़ों को लर्न करते जाएंगे आपको इजीली चीज़ें समझ आती जाएंगी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने ए टू जी प्रैक्टिकल वर्क करते जाना है, वीडियोस को मेरे साथ साथ लर्न करते हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई क्यूरी आएगी, जस्ट सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, मैं इजीली इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को मीन्स के अभी भी थोड़ी समझ नहीं आ रही, मैं इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ों को ब्रीफ कर रहा हूँ। चंद ही दिनों में आप जब ये प्रैक्टिकल चीजें सीख लेंगे, जब अपने हाथ से आप करेंगे, तो आप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, और आप बहुत ही जल्द क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोकली भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंटरनेशनली सर्विस को कैसे प्रोवाइड करना वो तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मीन्स के फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है मेरे साथ, और जिस तरह मैं आपको सिखाता जाऊँगा आपने प्रैक्टिकल वर्क लाजमी स्टार्ट करना है। जहाँ आपको टेंशन होगी, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपकी क्लियर करूंगा। चलें अब चलते हैं वेब स्क्रीन की तरफ, वेब पॉइंट टू बैकलिंक स्टार्ट करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स क्या होते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स लिस्ट। ठीक है, ये वेब पॉइंट टू बैक लिंक लिस्ट, जब आप वेब पॉइंट टू बैक लिंक लिस्ट गूगल पे लिखेंगे तो काफी सारी साइट्स आ जाएंगी जो हमें मीन्स के ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हम किस किस जगह वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स बना सकते हैं। मीन्स के ऐसी कौन सी साइट्स हैं जो सिंगल पेज साइट्स बनाने की हमें मीन्स के अपनी साइट पर सिंगल पेज साइट बनाने की परमिशन अलाउ करती हैं। चलिए हम इस सेकंड साइट को ओपन कर लेते हैं। हमने सेकंड साइट को ओपन किया और स्क्रॉल करते हैं इसे। होगा इधर आई थिंक होगा, मैं ये ठीक है ठीक है, ये देखें लिस्ट ऑफ वेब पॉइंट टू टॉप
लिस्ट ऑफ टॉप 120 वेब पॉइंट टू बैकलिंक साइट्स। ये वो साइट्स हैं जो मींस कि हम अलाउ करेंगे अपना वेब पॉइंट टू बैकलिंक सब इजीली बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, सब इजी है। एक तो मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिर्फ दिखाता हूँ कि मींस हम कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलें मीडियम पे बनाते हैं। मीडियम पे अपना पहला लिंक क्रिएट करते हैं। मीडियम पे हमने लिंक कैसे क्रिएट करना, तो जैसे हम मीडियम को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली आपने जीमेल से जाके इधर साइन अप कर लेना, आपके पास जो भी जीमेल हो जाए जाके साइन अप कर लेना। ये साइन अप हो रहा है। After sign up, अब हम कोई साइट को इमेजिन कर लेते हैं जिस साइट पर हमने लिंक बनाना है। जब भी आपके पास कोई बायर आएगा मीन से अभी सर्विस जिससे आप सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे, वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, ये मेरी साइट का लिंक है और इस साइट के ऊपर आपने बैकलिंक्स क्रिएट करना है। चले हम कोई मीन्स की अपनी तरफ से मैं कोई कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कोई साइट ओपन कर ली जिसके ऊपर हम बैकलिंक क्रिएट कर लेंगे। लेट्स सी, ये साइट्स को मैंने ओपन किया, ठीक है, साइट्स को मैंने ओपन किया। आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से साइट्स की मींस के कैरी कर लेनी है, उठा लेनी है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं अगर साइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। कुछ साइट्स होती है जिनमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो मींस के फिर आप गूगल से ले सकते हैं या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। लाइक दिस साइट्स आर वेरी गुड, अमेजिंग, यू कैन विज देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो मेरे से मैंने डाटा उठाया, इसके बाद मैं medium.com किया, राइट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया इसे, ऊपर मैं साइट का लिंक लिख देता हूँ, ये साइट का, ये सॉरी, ऊपर मैं साइट का नाम लिख देता हूँ, मल्टीवुड, ऊपर मैं साइट का नाम लिख देता हूँ कोई भी, पूरा लोगो ही आ गया उसका। लोगो भी मींस किस तरह भी आप नाम इजी कॉपी कर लिख सकते हैं और उसका नाम भी इजीली आप लिख सकते हैं, कोई मसले वाली इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइक इसका नाम हम यहाँ से ये चूज कर लेते हैं, इधर जाके इसके लोगो की जगह आप इधर साइट का नाम भी लिख सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं, इजिली बोल्ड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके बाद आप जाके साइट, ये साइट का लिंक है, इस साइट का लिंक जहां पर हम इसका लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसके आप कहीं भी बिटवीन ऊपर या नीचे किसी भी लेवल पे आप उसका साइट का लिंक पेस्ट करते हैं। साइट का मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है और सिंपली आपने इसे पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये टॉपिक पूछ रहा है आपसे, आपका टॉपिक क्या, आप चेयर दे दें, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी है सब। चेयर देखें, चेयर मींस के अब जो भी मींस के इस साइट पर अब लोग आएंगे चेयर से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपका आर्टिकल भी शो करेगा। जब आपका आर्टिकल शो करेगा तो लोग आपकी इस आर्टिकल को विजिट करेंगे और आपकी साइट पे क्लिक करेंगे। देखें अभी medium.com पे आपकी साइट multiwood.com का लिंक अवेलेबल है, इट्स कॉल्ड web.2 backlinks, मींस के मुकम्मल कंटेंट के अंदर से आपका लिंक आ रहा है। होप सो आप इसकी समझ आ गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको इस चीज को समझाया, गाइड किया कि आप कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा हम एक और बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जहां पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लाइक और आप कहाँ बना सकते हैं, चले हम google.com पे बना ले। आपने क्रिएट साइट पे क्लिक करना है, न्यू साइट पे जाना है, वही डाटा मीन्स के जो आपने एक लिंक में यूज कर आप सारे बैक लिंक्स लाइक web.2 में यूज कर सकते हैं। आपने इधर जाके साइड इधर जाके आपने इसे पेस्ट करना है, ये व्हाइट में इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज किया, सेम है। इसने आपने जो साइट का नाम होगा आपने उस साइट का नाम लिखना है। ये डाटा जरूरी नहीं है कि हर साइट पे अवेलेबल, अगर साइट पे डाटा अवेलेबल नहीं है तो इजीली आप खुद से भी लिख सकते हैं साइट से रिलेटेड मींस के। कोई साइट आपके नीचे ऐसी है जो हेल्प से रिलेटेड है तो आप हेल्प के रिलेटेड लिखेंगे, कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल के रिलेटेड लिखेंगे, कोई चीज आप फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप फ्री सर्विसेज के अबाउट लिखेंगे, मींस आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। आपने फिर साइट के ऊपर नाम दे देना है जैसे मैंने इधर दिया था, और सेम नाम देने के बाद आपने इधर साइट का नाम दे देना है, इसको हम इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ये लें जी, हमने इसका साइज बड़ा कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा करते हैं छोटा, और इसका कोई भी हम कलर दे सकते हैं जो सूटेबल, चलें जी रेड कलर कर देते हैं।
देखें, और उससे जैसे आपने साइट का लिंक था, आप साइट का लिंक कॉपी करेंगे, साइट का लिंक इधर पेस्ट कर देंगे, साइट का लिंक इधर आप पेस्ट कर देंगे और सिंपली इसे पब्लिश कर देंगे। कोई भी आपने अपनी मीन्स इधर आके जब आपका पब्लिश टू वेब पे, आप कोई भी आपने मीन्स के जो नाम अवेलेबल है साइट के साथ 1 2 3 डिजिट्स लगा के पब्लिश कर देना है, तो ये आपकी एक गूगल के ऊपर आपकी एक फ्री वाली साइट पब्लिश हो जाएगी। इट्स कॉल्ड आल्सो साइट बैक लिंक्स, ठीक है। साइट का लिंक आपने इधर से कॉपी किया, जो अभी हमने साइट इधर बनाई है, इधर जाके आपने पेस्ट किया, देखिए अब आपकी साइट google.com पे बन गई, आपकी साइट का लिंक इधर अवेलेबल है। तो गूगल भी हमें अलाउ करता है कि हम कैसे फ्री वेबसाइट इधर भी बना सकते हैं। होप सो आपको वेब पॉइंट समझ आई होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई इस बारे में, तो मैंने नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया, तो आप मुझे वहां पर कमेंट करें, और इधर भी आप क्यूरीज, कोई भी क्यूरीज आप मुझे कमेंट्स में, इधर सेशन कमेंट, यूट्यूब पे भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझे। नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली मजीद प्रोफाइल बैकिंग और ब्लॉग कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगेन कुछ लोगों की क्यूरीज आ रही थी, उसको मैंने देखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद प्रोफाइल बैकलिंक से मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा आपको लिंक सुना के दिखा दूंगा कैसे आप इजीली कर सकते हैं। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। होप सो आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स की लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो इस वीडियो में फर्दर बैकलिंक्स को, प्रोफाइल बैकलिंक्स को मीन्स एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद जो हम मीन्स के नेक्स्ट बैकलिंक सीखेंगे होते हैं ब्लॉग कमेंट्स। ब्लॉग कमेंट्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्डिंग ब्लॉग कमेंट्स लाइक बहुत सी साइट्स होती हैं जो हमें कमेंटिंग करना अलाउ करती है। जब हम किसी साइट पर विजिट करते हैं तो साइट के सबसे नीचे मीन्स के पोर्शन में होता है कमेंट योर नेम मीन्स ETC, आपकी कोई क्यूरीज होती है, वहां पर हम अपने क्लाइंट की साइट को लिंक लगाना, इट्स कॉल्ड ब्लॉग कमेंटिंग। मीन्स किसी भी ब्लॉग के कमेंट सेशन में, किसी भी ब्लॉग के, किसी भी वेबसाइट के कमेंट सेशन में अपनी साइट का लिंक या किसी क्लाइंट की साइट का लिंक जिस पे आप काम कर रहे हैं पेस्ट करना, इज कॉल्ड ब्लॉग कमेंट। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये भी हाई DA मींस के साइट्स होती हैं, लो DA भी होती हैं, हाई DA भी होती हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में पता चला था कि मींस के हमने हाई DA साइट कैसे देखनी है। मोस्टली एक्सटेंशन होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। और इसीलिए एक टूल है मोस्ट, जो इसीलिए फ्री में बन जाता है या फिर हम बाजार से पेड कर लेते हैं, ओनली 200-300 में आपको इजिली मिल जाता है। बहुत सारी साइट्स होती है मींस के अपने मींस के नीचे एक स्पेसिफिक जगह देते हैं जहां पर आप कमेंटिंग करके पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज के बारे में, तो उधर जाकर, उस जगह पर जाकर अपनी साइट का लिंक या किसी भी क्लाइंट का साइट का लिंक पेस्ट करना, इस कॉल्ड ब्लॉग कमेंटिंग। ये भी बहुत ज्यादा इजी होती है, ये मैं आपको फाइंड करना भी सिखाऊंगा कि आप ब्लॉग कमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। कोई मसले वाली बात नहीं, आपने चीजों को लर्न करते जाना, जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे क्यूरीज होंगी, मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। होप सो आपको इसकी भी समझ आओगी कि ब्लॉग कमेंटिंग क्या होती है। इन सिंपल वर्ड, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो आपको अलाउड करती हैं अपने कमेंट सेशन में जाके, साइट के सबसे नीचे एक कमेंट सेशन हो जहां पे अपने आप अपनी क्यूरीज कमेंट कर देते हैं, हम उधर अपनी क्यूरीज की जगह अपनी साइट्स का मींस के लिंक कमेंट करते हैं, ताकि गूगल को शो होता है कि ये अथॉरिटी पास हो रही है, एक न्यू साइट का लिंक एक बड़ी साइट के लिंक पर पेस्ट है, तो इट्स कॉल्ड ब्लॉग कमेंटिंग। सबसे पहले हमने देखना है कि ब्लॉग कमेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे लिखकर यूनिफॉर्म इंटरनेट पैकेजेस, काफी सारी साइट्स आ जाएंगी आपके पास, लाइक प्लस इंटरनेट पैकेज, इसे ओपन करते हैं हम। इस पूरी साइट पे आप देखेंगे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, और आप ये देखें इसके सबसे एंड पे ये कमेंट सेशन का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे अपने कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ईमेल समथिंग कुछ भी। तो इधर हम अपने लिंक बनाते हैं कमेंट सेशन में, जो इस तरह हम बैक लिंक बनाएंगे कमेंट सेशन में जाके, इसे हम कहते हैं ब्लॉग कमेंट बैक लिंक। ब्लॉग कमेंट ये काफी सारे ऑप्शन होते हैं, काफी सारे वेज हैं जिस तरह हम ब्लॉग कमेंट साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो दो तीन मेथड है, जब मैं आपको इजी मेथड समझाता हूँ कि आप कैसे मींस के ब्लॉग कमेंट साइट, सबसे पहले आपने HRF पे जाना है, HRF फ्री को लिखना है, जब वो ओपन हो जाए, HRF ओपन करने के बाद आपने कीवर्ड जनरेटर की जगह आपने बैकलिंक चेकर लिखना है, बैकलिंक चेकर लिखना है। जैसे आपने गूगल पे लिखा था यूफोन इंटरनेट पैकेजेस, लाइक आपका क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे ब्लॉग कमेंट चाहिए यूफोन इंटरनेट पैकेजेस के ऊपर पे, आपने गूगल के ऊपर यूफोन इंटरनेट पैकेजेस लिखा, जो काफी सारी साइट्स आ जाएंगी उनमें से आपने एक साइट को पिक किया, उस HRF में जाकर उसे पेस्ट किया, HRF में जाकर उसे हमने पेस्ट किया और साइट के URL को, और इधर से हमने इसे बैकलिंक चेकर को सिलेक्ट किया।
और इसके हम बैकलिंक जितने भी साइट ऑलरेडी बैकलिंक्स बने हुए ब्लॉग कमेंट्स वाले वो सारे इसमें निकल आएंगे, ठीक है। तो हम इजीली हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखें इस साइट के ऊपर 14 बैकलिंक्स बने हुए हैं और 10 साइट लिंकिंग डोमेन है इसके अंदर, 14 बैकलिंक्स और 10 वेबसाइट आपस में लिंकिंग की हुई है उन्होंने। अब ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, इधर से फिर हम साइट फाइंड करेंगे कौन कौन सी साइट से ब्लॉग कमेंट्स मींस के प्रोवाइड करेंगे। ये सारे जो है बैकलिंक्स बने हुए हैं, इनमें से हम एक साइट को मींस के पिक कर लेते हैं। चले हम ये ट्रैवल थाईलैंड वाली साइट को पिक कर लेते हैं। साइट ओपन हो गई, अभी हमें साइट ओपन हो गई हमारे पास, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ। अब हम इसके ब्लॉग कमेंट सेशन में जाके देखेंगे अब हम इधर लिंक लगा सकते हैं अपना। चले स्क्रॉल करते हैं, देखिए ये लोगों ने ऑलरेडी मींस के अंदर लिंक्स बनाए हुए हैं, सारे ये बैक लिंक्स बने हुए हैं। ये सारे कमेंट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे अपनी क्लाइंट के साइट का। जैसे ही अपनी साइट के लिंक हम इधर कमेंट करेंगे तो हमारा एक ब्लॉग कमेंट बन जाए, एक हमारा बैक लिंक्स ब्लॉग कमेंट बैक लिंक्स बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं हमारी क्लाइंट की साइट abc.com, हमने क्लाइंट की साइट का यूआरएल कॉपी किया, इधर आया मैं इधर आके मैंने लिखा विजिट दिस वेबसाइट फॉर बेस्ट एंड लेटेस्ट मोबाइल डील्स। इधर अब उसके बाद हमने क्लाइंट का मीन साइट का लिंक पेस्ट कर दिया, उसके बाद हमने पब्लिश कर दिया। जैसे ही मैंने पब्लिश प्रेस करूंगा तो मींस के ये कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो मींस के जिसके ऑनर उसे अप्रूवल देते हैं, कुछ साइट पर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बहुत सी मींस के साइट जिस पर अप्रूवल होते हैं, जिस काफी साइट से अप्रूवल नहीं होता, तो ये कुछ टाइम बाद जैसे ही वो मींस के इसका ऑनर आएगा वो आपका कमेंट आपको जो होगा बैकलिंक्स अप्रूव कर देगा। देखिए ये ऑलरेडी लोगों ने ऑलरेडी बैकलिंक्स बनाए हुए, ये बैकलिंक्स होते हैं जो ब्लॉग कमेंट के सेशन में बनते हैं, इट्स कॉल्ड ब्लॉग कमेंट बैकलिंक्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी इसकी। अगर फर्दर अगर आपको कोई मीज़ क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मैं आपकी मीज़ क्यूरी क्लियर कर दूंगा ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, 2-3 बार आप वीडियो को बार बार रिवाइज करें, इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर या जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उधर पोस्ट करें तो सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बहुत जल्द। जैसे ही अभी 2-4 दिन में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे मजीद जल्द, उसके बाद फिर हम जैसे प्रैक्टिकल हम काम करते जा रहे हैं साथ के साथ, तो इंशाल्लाह अब हम आगे क्लाइंट हंटिंग करेंगे और आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लॉग कमेंट्स के बारे में, आई होप कि आपको ब्लॉग कमेंट्स की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप फेसबुक ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है फॉर्म बैकलिंक्स के अबाउट, मींस के फॉर्म बैकलिंक्स कौन से होते हैं। अब तक हमने web.2 बैकलिंक्स कर लिए हैं, ब्लॉग कमेंट्स कर लिए हैं, उसके अलावा हमने प्रोफाइल बैकलिंक्स कर लिए हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स की मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, इंशाल्लाह उसकी वीडियो अगेन मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आपकी फिर भी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। फॉर्म बैकलिंक्स हैं, इसके बाद हम एक और बैकलिंक्स की टाइप करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको फाइवर के अकाउंट्स कैसे बनाना है, फेसबुक से क्लाइंट को कैसे गार्ड करना है, लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट को गार्ड करना है, गूगल से कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेशन करना है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम आप सबके साथ करते जा रहे हैं। फिर हम इंशाल्लाह अर्निंग वाली साइड पे मींस के स्टार्ट हो जाएंगे कि आपने सर्विसेज अब आपने स्किल तो सीख लिया, अपने सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करना है। होप सो आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। चलिए आप चलते हैं टॉपिक वाली साइड पे, फॉर्म बैकलिंक्स। फॉर्म बैकलिंक्स क्या होते हैं? बेसिकली बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी हाई अथॉरिटी कंपनीज होती हैं, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं LG समथिंग, जो मोबाइल की कंपनी हो सकती है, आईफोन, ओप्पो या दूसरी कंपनीज जो मींस के काफ़ी नीचे से रिलेटेड होती है, लाइक पेट्स रिलेटेड भी हो सकती हैं, मींस के पेट की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, फ्लावर्स रिलेटेड, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग, हर नीच से रिलेटेड वो कंपनी अपने फॉर्म्स देती हैं ताकि जाके आप मींस है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कोई क्यूरी हो व्हाट्सएप पे कर सकते, इसी तरह वो कंपनी अपने फॉर्म्स देती हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप अपनी उस फॉर्म पे कमेंट करके उनसे पूछ सकते हैं। तो उन्हीं फॉर्म से मींस के उन्हीं फॉर्म में फिर हम बैकलिंक्स बनाते हैं, लाइक हम पोस्ट के थ्रू भी बैकलिंक्स बना सकते हैं और हम कमेंट के थ्रू भी फॉर्म पे बैकलिंक्स बना सकते हैं। जो फॉर्म होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी फॉर्म होते हैं और ये बैकलिंक भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल होते हैं। ये लिंक्स जो हम बनाएंगे फॉर्म पे बनाएंगे, ये कमेंट्स के अंदर भी लिंक्स हो सकते हैं और इसके अलावा हम पोस्ट भी करके उसके अंदर भी अपनी साइट का लिंक लगा सकते हैं।
तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो कि फॉर्म बैकलिंक्स क्या होते हैं, फॉर्म बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आती, तो आपने वीडियोस को 2-3 बार देखना है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलें फिर आप चलते हैं वीडियो वाली साइड पे। चलिए आज का टॉपिक है फॉर्म बैकलिंक्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर लिखना फॉर्म प्लस वेस्ट, फिर उसके बाद जो भी हमारी कैटेगरी होगी नीच होगी, लाइक मोबाइल फोन से रिलेटेड, पैड से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड। अब हम लिखते हैं बेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट मोबाइल फोन। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो बहुत सारी साइट्स आज फॉर्म बहुत सारी साइट्स के फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले वाला फॉर्म ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला फॉर्म ओपन कर लेते हैं, एक और फॉर्म ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे जितने भी मींस के ये आ रहे हैं रिजल्ट्स मैंने ओपन किए, इनमें 90% सारे ये फॉर्म्स हैं। देखिए लोगों ने रिसेंटली पोस्ट की हुई है फॉर्म से रिलेटेड, व्हाट इज द बेस्ट 5G सेलुलर नेटवर्क सिमिलर, ये देखें पोस्ट आई हुई है। उसके बाद फिर ये एक और पोस्ट आई हुई है डिसएडवांटेज से रिलेटेड, मतलब हमारी अपने नीच जो मोबाइल फोन से रिलेटेड हमने सर्च की है, तो जितनी भी पोस्ट आपको मिलेंगी मोबाइल फोन से रिलेटेड मिलेंगे। अब हम इस फॉर्म पे दूसरी साइड पे जाते हैं, फॉर्म पे चले जाते हैं, आप देखें इधर भी सारे भी मोबाइल से रिलेटेड आपको हर चीज प्रोवाइड मिलेगी कि मोबाइल से रिलेटेड ही आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे, क्योंकि हमने सर्च ही मोबाइल किया तो सारी चीज अब मोबाइल से ही रिलेटेड आपको पोस्ट वगैरह मिलेंगी क्योंकि ये सारे फॉर्म्स हैं। लिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसे साइन अप करना है अपनी जीमेल से, या इसे रजिस्टर्ड करना है आपने। आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, ट्विटर से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूजर नेम वगैरह दे दें मैनुअली। मैं फिर गूगल से इसे जिस साइन अप करूंगा, जैसे मैं अपने गूगल से करूंगा तो उसके बाद मीन्स के ये लॉग इन हो जाएगा, जीमेल के साथ ये लॉग इन हो गया। इधर मैं कोई भी यूजर नेम दे दूंगा, जेम्स लाइक 3839, कोई भी मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दे दूंगा। लोकेशन में यूएसए कर देता हूं या कुछ भी पाकिस्तान कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद से रजिस्टर्ड कर देना, देखें अभी रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम होम पेज पे चलते हैं, इसके हमने जो मींस के फॉर्म वाला लिंक्स ओपन किया था उस पर हम दोबारा उधर गए, तो मींस के अब ये जेम्स वाला लॉगिन हो गया। मींस के सिंपली आपने फॉर्म्स पे जाना है और उधर साइन अप करना है अपनी आईडी से। अब ये सारी पोस्ट लोगों ने की हुई है, आईफोन 7 अपडेट। अब मैं इसे पहली वाली आईफोन 7 अपडेट वाले को ओपन करता हूँ, ये देखें ये उसने टाइटल लिखा हुआ है और ये उसने पोस्ट की हुई है। हम ऐसी पोस्ट भी बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके अगर हम नीचे आते तो ब्लॉग सेशन देखें बना हुआ है, इधर भी हम कमेंट करके अपना लिंक्स बना सकते हैं। देखें एक रिप्लाई भी किसी ने किया हुआ है 52 मिनट्स एगो, या तो हम इधर कमेंट करेंगे या फिर अपनी पोस्ट बना लेंगे। चले मैं पहले कमेंट बनाता हूँ, मीन्स कमेंट करता हूँ, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट का ऑप्शन भी होता है फॉर्म्स पे और कमेंट। चले मैं करता हूँ बाय बेस्ट मोबाइल फोन्स फॉर्म abc.com, मैंने कोई भी साइट को फर्ज कर लिया, इमेजिन कर लिया, ऐसे हमने कमेंट बनाना है और उसे पोस्ट कर देना। इस सिंपली मीन्स के ये एक फॉर्म के ऊपर लिंक बन जाएगा हमारा और लिंक लाइव हो गया, ठीक है। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा भी बना सकते हैं, ये देखिए हम दोबारा मैं बना रहा हूं HTTP के साथ, मीन्स अपने साइट का लिंक इधर पेस्ट कर देना। अभी हमारा ये लिंक बन गया, अब इसे मैं पोस्ट करता हूं। अब ये मींस के अब कह रहा है कि मींस के लाइक आप 97 सेकंड के, अभी हमने क्योंकि रिसेंटली मीन पे पोस्ट किया है, एक से ज्यादा आप एक से ज्यादा मींस के आप ज्यादा नहीं कर सकते इधर एट द टाइम, क्योंकि ये फॉर्म्स बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर आप बार बार पोस्ट कमेंट करेंगे तो ये आपको बैन कर देंगे, आपने इस चीज का ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि इनकी अथॉरिटी फॉर्म्स की बहुत ज्यादा होती है। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल अगेन उमर मलिक में। तो होप सो आपको लास्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी फॉर्म बैक से रिलेटेड।
लास्ट टाइम हमने बात की थी फॉरम बैक लिंक्स के बारे में कि फॉरम बैक लिंक्स क्या होते हैं। फॉरम बैक लिंक्स मीन्स मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि बहुत बड़ी हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं जो अपने फॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट से क्यूरीज के लिए, तो हम उसी फॉर्म्स का यूज करते हैं, हम अपने बैक लिंक्स क्रिएट करते हैं जिससे हमारी साइट की अथॉरिटी मोर इंक्रीज होती है और हाई गेट ट्रैफिक हासिल होते हैं वहां से, जिससे हमारी साइट की अथॉरिटी इंक्रीज होती है और हमें रैंकिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्म बैक लिंक्स क्या है और आपने लास्ट वीडियो मजे से देखी होगी। चलें जी फिर आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमेज सबमिशन बैक लिंक्स, इसके अलावा बहुत से बैक लिंक्स की टाइप्स है, लेकिन जस्ट ये मैंने आपको सिर्फ यही बैक लिंक्स की टाइप्स, प्रोफाइल बैक लिंक्स, वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स, फॉर्म बैक लिंक्स और आज हम करेंगे इमेज सबमिशन बैक लिंक्स। बस ये चार पॉइंट टाइप्स के बैक लिंक्स है जो मैं क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ। बैक लिंक्स की बहुत से टाइप है जो मैं मजीद फर्दर इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि बैक लिंक्स इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स के बैक लिंक्स होते हैं, लेकिन जो मैं क्लाइंट को मैं प्रोवाइड करता हूँ बेसिकली यही बैक लिंक्स है। मेरा जो मेन पर्पस है कि मीन्स कि आप जल्द से जल्द ये स्किल सीख लें और प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। तो अब चलते हैं इमेज सबमिशन बैक लिंक्स की तरफ। इमेज सबमिशन बैक लिंक्स लाइक के मींस के बहुत सारी ऐसी साइट्स मौजूद हैं गूगल पे जो हाई अथॉरिटी साइट्स हैं जो इमेज सबमिशन को अलाउ करती हैं। मींस के आप अपनी क्लाइंट की साइट जो मींस के आप जिस पे काम कर रहे होंगे आप उसकी इमेज को भी सबमिट कर सकते हैं, आप गूगल से भी कोई इमेज ले सकते हैं अपनी नीड से रिलेटेड और उस इमेज के नीचे अपनी साइट का लिंक लगा सकते हैं। तो डेट्स कॉल्ड इमेज सबमिशन बैक लिंक, मीन्स के इमेज के नीचे आपके इमेज की बैक पे भी आपका लिंक हो सकता है, इमेज के नीचे भी आपका लिंक हो सकता है, किसी भी प्लेस इमेज के साथ हो सकता है। बेसिकली ये वो साइट्स होती है जो इमेज सबमिट करने की इजाजत देती है, वहां पर हम इमेज को सबमिट कर सकते हैं अपनी साइट से रिलेटेड। अगर हमारी साइट पर इमेजेस है हम वो भी सबमिट कर सकते हैं, हम अपनी साइट से रिलेटेड इमेज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स आप कैनवा पे किसी भी एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं या आप गूगल से भी इमेज ले सकते हैं अपनी नीड से रिलेटेड। चले अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इमेज सबमिशन बैक लिंक्स कैसे बनाने हैं। आप अपने क्लाइंट की साइट या मींस की वो कोई भी साइट जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसकी इमेज भी सबमिट कर सकते हैं। मोस्टली जितनी भी साइट्स होती हैं उनके ऊपर इमेजेस होती हैं, जस्ट वो साइट्स हैं जो मींस आपको इमेज सबमिट करना अलाउ कर। अगर ये आपकी इमेज इंडेक्स हो जाती है, क्योंकि ये इंडेक्स हो जाती है, मेरी खुद कुछ इमेजेस इंडेक्स हो जाती है तो इसे गूगल इंडेक्स कर लेता है और गूगल के सर्च में आना शुरू होती है जहां से हमें बहुत अच्छी खासी ट्रैफिक गेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक लिंक्स है इमेज सबमिशन बैक लिंक्स। चलिए अब हम चलते हैं काम की तरफ, इमेज सबमिशन साइट। सबसे पहले हमने गूगल पर जाना है, उसके बाद हमने गूगल पे लिखा है इमेज सबमिशन वेबसाइट्स। ये गूगल पे काफी सारी साइट्स आ जाएंगी, हम किसी भी साइट्स को ओपन कर लेंगे। हमने साइट्स को ओपन कर लिया, आपको इधर इमेज सबमिशन साइट्स की लिस्ट नजर आ जाएंगे जहां जहां पर हम इमेज सबमिशन को सबमिट कर सकते हैं। चले मैं इसमें से किसी एक को पिक कर लेता हूं और इसे फिर ओपन कर लेते हैं। देखें ये ओपन हो गई है, ये सारी पूरी साइट पे इमेजेस हैं। जो इमेज सबमिशन साइट्स होती हैं बेसिकली इसमें जो होता है इमेज सबमिशन करते हैं। अब इसके बाद हम साइन अप करते हैं, इन साइट पे सारे पे इमेजेस ही होती हैं, तो चलो इस पर हम साइन अप करते हैं। आप खुद से भी मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं गूगल से लॉग इन करता हूँ, गूगल से ऑटोमेटिकली मीन से अब लॉग इन हो जाएगा आपकी जीमेल से। आप इधर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या क्लाइंट की साइट का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, डेट मंथ कुछ भी आप लिख सकते हैं, 18 प्लस होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यू कर देंगे हम। अब हम इसमें से कोई दो तीन इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया बिहांस पे। राइट साइड पर आके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाएंगे, ये लोड हो रहा है। अब इसके बाद हम जाएंगे, अब हम जाएंगे प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल्स में जाएंगे। इधर हमें मिलेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब हमने बेसिकली यहां पे जो आपकी वेबसाइट होगी क्लाइंट की वेबसाइट, और ये मैंने एग्जांपल लिया है क्लाइंट की साइट एग्जांपल लिया है वर्क मोबाइल से रिलेटेड,
कोई भी मोबाइल फोन से रिलेटेड हम कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट किया हमने सबसे पहले, ये सब ब्लैंक पेज आ गया हमारे सामने, यहाँ पे इमेज टेक्स्ट वीडियो एम्बेड काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम इमेज जो हमने डाउनलोड किया इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, जाके अपने फोल्डर में से जो आपने इमेज डाउनलोड की थी आप उस इमेज को हम इसके बाद अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड हो गई, अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन आ जाएगा जो हमें साइट क्लाइंट ने दिया मोबाइल से रिलेटेड है। मोबाइल से रिलेटेड थोड़ा बहुत डाटा लिख लेंगे, लाइक यू कैन ऑल ब्रांड्स न्यू स्मार्टफोन्स एट अफोर्डेबल प्राइस एट एट क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा देंगे mobileworksmobile.com.pk। तो हम फिर इसे हम कंटिन्यू कर देंगे, फिर हम कोई टाइटल दे देंगे जो साइट मीन से साइट के ऊपर जो हेडिंग होंगे हम वो टाइटल में लिख देंगे। कुछ भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं लेकिन बेहतर वो होगा जो क्लाइंट की साइट है उससे मीन से लिख सकते हैं। बेस्ट फोन फॉर गर्ल्स मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप टैग में फोन दे दें, मोबाइल दे दें, कुछ भी दे दें जो से रिलेटेड हो। आप फोटोग्राफी चूज कर लें, कुछ भी चूज कर लें, फॉर्मेलिटी होती है, फिर इसे हम पब्लिश कर देंगे। लें अब हमारा इमेज सबमिशन बैकलिंक्स बन गया। ये क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, हम क्रॉस करेंगे, इसके बाद हमारी साइट का लिंक आ जाएगा। इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करके गूगल में डाल देंगे तो हमारी साइट का लिंक ओपन हो जाएगा, इमेज सबमिशन बैकलिंक। ये टाइटल्स आ गया और ये हमारी इमेज आ गई और नीचे हमारी साइट का लिंक लगा हुआ है। इस तरह जितनी मींस के साइट्स हैं जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है जो हमने गूगल से देखी है, आप सब पे इमेज सबमिशन बैकलिंक इजीली बना सकते हैं। मेथड एक ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो फिर आप इसे पूछ लीजिएगा। इस तरह फिर हमारे इमेज सबमिशन बैकलिंक इजीली बन जाएगा। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने फिर मुझे क्यूरी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना फिर एक्सप्लेन कर दिया जाए कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स लाइक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आपको सिंपल वर्डिंग में मैं समझा रहा हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इनके ऊपर हम मींस के जो अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, अपना डाटा मींस के एंटर करते हैं, मेरा नाम, एड्रेस, ईटीसी, वहां पर हर प्लेटफॉर्म आपको अपनी साइट ऐड करने का बिजनेस के मुतालिक आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी साइट्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक कि हम पिंटरेस्ट से बनाते हैं, पिंटरेस्ट का मींस के ऑप्शन देते हैं आप यहाँ पर अपनी साइट्स को मींस के अपनी साइट का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही प्रोफाइल बैकलिंक्स होता है, वहां पर अपनी साइट का लिंक ऐड करें या क्लाइंट की साइट का लिंक ऐड करें, इट्स कॉल्ड प्रोफाइल बैकलिंक्स। माशाल्लाह बहुत अच्छे डिमांडेड लिंक्स होते हैं ये, जिनका हाई डी होता है, डीए मींस डोमेन अथॉरिटी। हर बैकलिंक्स की एक डोमेन अथॉरिटी होती है जिसे हम कहते हैं डीए। ये भी मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीए क्या चीज होती है। तो होप सो आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स इन सिंपल वर्ड में समझ आ गई होगी प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। एक दो लिंक्स मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ कि मींस कैसे होते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको हजारों प्रोफाइल बैकलिंक्स की शीट्स अवेलेबल होंगी, तो आपने घबराना नहीं है। आप शुरू शुरू में आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीजें हैं। मेरा जो मेन फोकस है कि आप जल्द से जल्द आप इस चीज को सीखें, लर्न करें और अर्निंग वाली साइड पर आ जाएं, ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर मजा आए आपको भी सीखने और मुझे भी सिखाने में। तो प्रोफाइल बैकलिंक्स की आपको समझ आ गई होगी प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या। तो मैं आज चले आपको चलता हूं प्रोफाइल बैकलिंक्स एक और बनाकर आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोफाइल बैकलिंक्स होते क्या है, ताकि आपको अच्छी तरह आपको हर चीज क्लियर हो जाए कि प्रोफाइल बैकलिंक्स ये होते हैं। ये मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट लिखी हुई है और इसके बाद सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पर जाकर आपने प्रोफाइल बैकलिंक सर्च करना है, तो ऐसी आपको मींस की एक साइट नजर आ जाएगी। तो इधर प्रोफाइल बैकलिंक्स की सारी मींस की आपको साइट्स अवेलेबल होंगी। एक साइट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। इस साइट को मैंने ओपन किया, साइन इन का ऑप्शन किया। डायरेक्ट मींस कि आप जीमेल से भी लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप साइन अप भी कर सकते हैं। तो मैंने जीमेल से साइन अप कर लिया। जैसे ही मैंने साइन अप किया तो ये साइट ओपन हो गई।
देखें ये साइन अप हो गया, ये हमारा जीमेल से अकाउंट क्रिएट हो गया प्रोफाइल बैक लिंक का। इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे आप ये देखेंगे काफी सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है सेटिंग में। तो मींस के आप नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, और इधर आपको एक जगह पे आपको वेबसाइट भी नजर आ रही होगी, आप वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बायो में भी लिंक लगा सकते हैं। आप ये ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट के ऑप्शन में लिंक लगाएं साइट का लिंक क्लाइंट की का, या बायो के ऑप्शन में साइट का लिंक लगाएं। मैं इसे कॉपी करता हूं क्लाइंट की साइट को और मैं इसे का लिंक बायो में लगाता हूं। मैं सबसे पहले लिखता हूं यू कैन बाय एंड सेल ऑल टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन, और इधर अपनी क्लाइंट का साइट का लिंक पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली सबसे ज्यादा हमें इसी चीज की जरूरत होती है, मींस कि हमने लिंक जो बनाना है सिर्फ क्लाइंट की साइट का लिंक पेस्ट करना है, बाकी इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। अब ये देखिए हमने लिस्ट पे क्लिक किया है तो मींस कि ये अब साइट का हमारा लिंक बन गया है। अब ये हमें शो भी करवा रहा है जो हमने इधर लिखा है, यू कैन बाय एंड सेल ऑल टाइप ऑफ स्मार्टफोन एट, और वेबसाइट का लिंक भी आगे नजर आ रहा है जो मेरी क्लाइंट की साइट का मैंने लिंक पेस्ट किया है। तो ये चीज आप पे डिपेंड कर दी है, मींस के लिंक आप वेबसाइट का जहां पे ऑप्शन है वहां पे भी लगा सकते हैं, बायो में भी लगा सकते हैं, बायो में भी लगा सकते हैं। हर चीज की डिटेल अवेलेबल है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो सिर्फ जस्ट यही होती है, मीन्स कि आप नाम लिख दें क्लाइंट की साइट का नाम और क्लाइंट की साइट का लिंक पेस्ट कर दें, जस्ट सिंपल काम है और कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है। ये वेबसाइट में डालना चाहता हूं तो मैं वेबसाइट में भी डाल सकता, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि मींस कि आप बायो में लगा लें। अब मैं एक और साइट पर लिंक बनाता हूं, सेकंड साइट पर लिंक बनाता हूं प्रोफाइल बैक लिंक्स। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं, मीन्स की प्रोफाइल होती है आप जो साइट से प्रोफाइल्स बनानी है आपने सिंपल, और इस साइट को लॉग इन करता हूं। आप इसे जीमेल से साइन अप कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसे लॉगिन भी कर सकते हैं इधर से। उसके बाद सबसे पहले फिर आपने वो जाके जीमेल से साइन अप करना है, अगेन जो आपके पास जीमेल है उसे साइन अप करेंगे। ये जीमेल से साइन अप हो जाएगा, इन दोनों को चेक करेंगे, एग्री करेंगे, देखें हो गया। अब फिर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, प्रोफाइल्स में हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में फिर हमें एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जहां पर अपने क्लाइंट का साइट का लिंक पेस्ट करेंगे। अब आप ये देखें डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं लिंक्स बनाने के लिए। सेटिंग में हम गए, पर्सनल इन्फो पे जाएंगे हम, फिर हम क्लाइंट का मीन से साइट का लिंक फर्स्ट में और सेकंड नेम में लिख सकते हैं। इधर फिर आपको अवेलेबल होगा जहां पर आप क्लाइंट का साइट का लिंक लगा सकते हैं इजीली। आप देखें नीचे आपको वेबसाइट का लिंक नजर आ गया, और आप अबाउट में भी लिख सकते हैं, मींस के बायो में भी लिख सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक इधर वेबसाइट ऑप्शन में भी आप लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अगेन अपनी क्लाइंट के साइट का लिंक लिया, इधर पेस्ट किया और इसे सेव एज अ प्रोफाइल कर दिया। देखें ये फिर हमारे साइट का क्लाइंट का साइट का मींस के एक बैक प्रोफाइल बैक लिंक बन गया, सेव हो गया सारा डाटा। देखिए हमारा प्रोफाइल बैक लिंक क्रिएट हो गया। सिंपली जो मींस क्या होता है, जो हमारी मेन जो सबसे बड़ी जो हमारी मेन थिंग होती है इसमें वो यही होती है कि हमने अपने क्लाइंट का लिंक पेस्ट करना, उसकी प्रोफाइल्स बनानी है, और कोई मसले वाली बात नहीं। प्रोफाइल बैक लिंक का मेन पर्पज ही होता है कि आपने प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है, जो बहुत सारी साइट हमें गूगल पर अवेलेबल है प्रोफाइल बैक लिंक के नाम पर। आपने प्रोफाइल ओपन करना, सेटिंग में जाना, प्रोफाइल में जाकर लिंक पेस्ट करना, इन सब साइट्स पे आपने ऐसे ही लिंक्स बनाने हैं। होप सो इस बार आपको मुकम्मल अर्ज ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। अगर फर्दर अगर आपकी कोई चीज नहीं क्लियर होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं अभी क्यूरी करूंगा, या फेसबुक ग्रुप में मैसेज करें मुझे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल उमर मलिक में। होप सो आपने मींस के स्किल तो सीख ली होगी। मैंने आप सबको वो तमाम चीजें, वो तमाम टाइप्स के लिंक्स जो मैं क्लाइंट से प्रोवाइड करता हूं, लाइक ब्लॉग कमेंट, प्रोफाइल बैक लिंक्स, वेब पॉइंट टू, फॉर्म बैक लिंक, इमेज सबमिशन,
ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी मैंने डिटेल से मैंने आपको मींस के वीडियोस प्रोवाइड कर दी और सिखा भी दी हैं। अगर फर्दर अगर आपको मींस से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दिया हुआ है। होप सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन जो जिन्हें अभी भी स्टिल समझ नहीं आ रही तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है। मैसेजेस इतने ज्यादा होते हैं, समटाइम टाइम नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबकी ईच एंड एवरीथिंग क्यूरी क्लियर कर देता हूं। अब हम इंशाल्लाह फर्दर मजीद चलेंगे कि अब हमने स्किल को प्रोवाइड करना कैसे करना। कुछ स्किल प्रोवाइड करने से पहले मींस के सेल करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ मींस से क्लियर करना चाहता हूं। लाइक हम ये लिंक्स तो बना लेते हैं लेकिन लिंक्स मींस के जो बनते हैं ये क्लाइंट्स कहते हैं हमें डू फॉलो चाहिए और नो फॉलो चाहिए। आज मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि डू फॉलो बैक लिंक्स कौन से होते हैं और नो फॉलो बैक लिंक्स कौन से होते हैं। दोनों ही बैकलिंक्स की डिमांड होती है लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स की ज्यादा डिमांड होती है। जब हम अपनी क्लाइंट के साइट का लिंक किसी और साइट पर पेस्ट करते हैं कुछ साइट्स डू फॉलो बैकलिंक्स देती हैं, कुछ नो फॉलो बैकलिंक्स देती है। दोनों ही बैकलिंक्स हम सेल करते हैं डायवर्सिटी के साथ। क्लाइंट ज्यादातर आते हैं डिमांड करते हैं जी हमें डू फॉलो बैकलिंक्स चाहिए। डू फॉलो बैकलिंक्स अपनी अथॉरिटी पास करते हैं, मीन्स वो साइट्स जो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स देती हैं वो अपनी अथॉरिटी पास करती है, तो गूगल उस उन साइट्स को अच्छा समझता है और आपकी साइट को रैंक करता है। मींस के आपको आपने एक लिंक किसी साइट पर बनाया और वो साइट आपको डू फॉलो लिंक पास कर रही है तो मींस के आपकी साइट की अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है और आपकी साइट रैंक हो रही है। नो फॉलो की भी, ये मैं नहीं कह रहा कि मींस है जस्ट डू फॉलो, नो फॉलो की भी वर्थ है। आपका लिंक तो मौजूद है ना, अगर आपको साइट एक डू फॉलो लिंक नहीं दे रही लेकिन आपका लिंक तो एक बड़ी अथॉरिटी साइट अवेलेबल है आपकी क्लाइंट का साइट, तो वो भी एक अथॉरिटी में काउंट किया जाता है। लेकिन ये फिर मींस कि हम क्लाइंट को कहते हैं हमें डायवर्सिटी के थ्रू हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको डू फॉलो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको नो फॉलो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप डू फॉलो बैक लिंक्स कैसे देखेंगे और नो फॉलो बैक लिंक्स कैसे देखेंगे। डू फॉलो बैक लिंक्स वो बैक लिंक्स होते हैं लाइक जो अपनी अथॉरिटी पास करते हैं, नो फॉलो लिंक्स जो अपनी अथॉरिटी पास नहीं करते। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आई है लाइक प्रोफाइल बैक लिंक्स में, वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स में, कमेंट्स बैक लिंक्स में, इमेज सबमिशन में, फॉर्म में, तो आप उसे पूछ सकते हैं। बैक लिंक्स की और भी फर्दर टाइप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा। मेन पर्पज मेन फोकस यही है अगर मींस का जो चीज मैं प्रोवाइड करता हूं आओ जल्द से सीख लें और फिर आप इंशाल्लाह अर्निंग वाली साइट पर आ जाएंगे। जैसे जैसे आपकी अर्निंग होगी तो मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होंगे। तो चलते हैं आप स्क्रीन की तरफ, इंशाल्लाह अब आपको मैं कंपेयर करके बताता हूं डू फॉलो बैक लिंक्स कौन से होते हैं और नो फॉलो बैक लिंक्स कौन से होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है कि जो आपने बैक लिंक्स बनाया है वो डू फॉलो है या नो फॉलो है। ये मैंने एक साइट को ओपन किया है, आप ये देख सकते हैं काफी सारे लिंक्स इधर बने हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मैं कैसे आप कीवर्ड्स के ऊपर भी बैकलिंक्स बना सकते हैं। कुछ साइट्स, कुछ क्लाइंट्स आपको साइट के साथ साथ कीवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, मींस कि आपने कीवर्ड के ऊपर लिंक्स बैकलिंक्स बनाना है तो कीवर्ड्स के ऊपर आप लिंक कैसे बनाएंगे। क्लिकेबल कीवर्ड के ऊपर, मींस क्लिकेबल बैकलिंक। तो जैसे ये मींस के एक बैकलिंक बना हुआ है यहाँ पे, तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करेंगे। अब आपने इस चीज को नोट करना है जो ब्लू एरिया में कवर है, अगर तो यहां पर नो फॉलो लिखा है तो ये लिंक नो फॉलो है, अदरवाइज ये लिंक डू फॉलो है। इसके अलावा किसी और लिंक्स को देख लेते हैं। मैं इधर गया, मैंने राइट साइड क्लिक किया लिंक पे जाके, फिर मैंने इधर से चेक किया अगेन, ये देखें कि ये भी डू फॉलो बैक लिंक है। अगर यहां पर कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा तो मींस के डू फॉलो बैक लिंक, अगर नो फॉलो होगा तो लास्टमन यहाँ पर नो फॉलो बैक लिंक लिखा होगा। इसके अलावा एक क्रोम की एक्सटेंशन भी आप वो भी कर लें, कि मैंने क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड किया है नो फॉलो, आप गूगल पे जाके लिखेंगे क्रोम नो फॉलो एक्सटेंशन तो आपके सामने एक्सटेंशन आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें, आप ये देख सकते हैं इसे। तो इस एक्सटेंशन में क्या फायदा, जैसे एक्सटेंशन को आप मींस के यहाँ पर एक्टिव करेंगे, इधर से एक्टिव हो जाएगी तो जैसे आपके जो लिंक्स होंगे, जो जो आपके लिंक्स नो फॉलो होंगे लाइक जैसे है, तो इसके गिर दिए ऐसे बॉक्स बना देगी, जो जो लिंक्स आपके नो फॉलो होंगे ये सारे नो फॉलो बैक लिंक्स हैं तो इनके इर्द गिर्द मीन से ऐसे बॉक्स बना देगी, और जो भी लिंक्स डू फॉलो होंगे उससे गिरती नहीं बनाएगी। सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, जो भी लिंक्स आपके नो फॉलो होंगे
तो ये ऐसे बॉक्स बना देगी। होप्स आपको समझ आ गई होगी कि डू फॉलो बैक लिंक्स कैसे होते हैं और नो फॉलो बैक लिंक्स कैसे मींस के हम फाइंड कर सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू भी और इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू भी। होप्स आपको डू फॉलो और नो फॉलो बैक लिंक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और साथ इसके साथ आपको पता भी चले होगा आपने डू फॉलो और नो फॉलो बैक लिंक्स कैसे देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लिकेबल बैकलिंक्स मींस के जो कीवर्ड्स बैकलिंक्स बनते हैं वो बनाना DADR क्या होता है और बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस चला है फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपकी चीजें साथ के साथ क्लियर होती जाएंगी। और जो मेरे भाई बहुत ज्यादा मींस के भाई बहने परेशान थे कि हमने अगर फिजिकल क्लासेस लेने हैं इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं रमजान में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा। जिसको भी फिजिकल क्लास के बारे में कुछ पूछना हो या मींस ऑनलाइन क्लास के बारे में तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे जो नीचे नंबर दिए गए मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा। बस आपने काम करते जाना मैं चीज आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता जाऊंगा जो जितना भी मुझे आता है मैं इंशाल्लाह सब आपको बता दूं। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ अगेन अपने चैनल उमर मलिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मींस के DADR, हमने बैकलिंक्स बनाना तो सीख लिया लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट की तरफ से कि आपके जो आपने लिंक बनाया साइट का उसका DADR मींस के अच्छा होना चाहिए। लाइक जितना साइट का DADR अच्छा होगा क्लाइंट उतना ज्यादा बैकलिंक्स उस बैकलिंक्स को पसंद करते हैं। लाइक DA मींस DA, DA मींस डोमेन अथॉरिटी एंड DR मींस डोमेन रॉटिंग। DA जो होता है बेसिकली ज्यादातर हम मोस्ट से चेक करते हैं और DR हम चेक करते हैं HRF से। ये दोनों ही फ्री टूल है बट मोस्ट जो है वो पेड टूल है मोस्ट प्रो। बाजार से आपको 400-500 रुपए का टूल मिल जाता है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसके अलावा और भी साइट्स हैं जो आपको DA फ्री में चेक करके मींस के बता देती हैं कि इस साइट का DA इतना है। जितना साइट का DADR अच्छा होगा वो बैकलिंक उतना ही अच्छा होगा। क्लाइंट डिमांड करते हैं कि हमें हाई अथॉरिटी साइट से मींस के हाई DADR साइट से लिंक्स चाहिए लेकिन उन्हें फिर हम लो साइट्स DADR साइट का भी लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, हाई का प्रोवाइड करते हैं। ये फिर इंशाल्लाह मैं मजीद एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्लाइंट को जब हमने कम्युनिकेशन करनी है उसे हमने कैसे प्रोवाइड करना है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि हमने DADR क्या होता है, DA मींस डोमेन अथॉरिटी एंड DR मींस डोमेन रेटिंग और PA पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती बट DA और DR बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हम मींस के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने DA चेक करना है, DR चेक करना है फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ईजी है। जितना ही साइट का DADR अच्छा होगा वो उस साइट का लिंक उतना ही अच्छा होगा क्योंकि उस साइट की अथॉरिटी ज्यादा है, उस साइट की रेटिंग ज्यादा है तो उस साइट से जो लिंक आ रहा है वो भी ज्यादा होगा। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अब काम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मींस के हमने DADR को कैसे चेक करना है। सबसे पहले मैंने साइट ओपन की हुई है, ये साइट मैंने ओपन की हुई है, इसे मैं कॉपी करूंगा और गूगल में अगर हम जब जाकर लिखेंगे HRF DR चेक कर मींस के आप सिंपल ऐसे लिखते हैं DR चेक कर भी पहले जो टूल आएगा वो HRF। मैंने कोई भी साइट मींस है जिसमें हम बैकलिंक बना रहे हैं, आपने कोई साइट ली आपने साइट को कॉपी किया और इसमें HRF जो मींस के चेक कर दिया पुट कर दिया सिंपली। आप ये देखें साइट की जो मेन अथॉरिटी 111 मींस के 11 है। साइट जितनी मींस की रेटिंग ज्यादा होगी वो साइट को उसके अलावा अब हमने चेक करना है DADR मींस डोमेन रेटिंग एंड DA मींस डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो लेकिन मोस्ट के लिए आपको मोस्ट का प्रो अकाउंट चाहिए जो कम से कम बाजार से आपसे 300-400 का मिल जाता है। आपने उस मोस्ट प्रो को लाके यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है मोस्ट पार ये क्रोम के एक्सटेंशन है। ये जब मीन्स के उस वक्त ये सही वर्क करेगी जब आप मोस्ट प्रोबल अकाउंट लॉग इन कर लेंगे। मोस्ट का फ्री अकाउंट होता है लेकिन उसमें इतनी क्यूरीज नहीं होती, मजा नहीं आता, आपको मोस्ट प्रो अकाउंट मस्ट चाहिए। देन आप इस साइट को मैंने इधर पेस्ट किया आपको गूगल में और आप जब एक्सटेंशन कर लेंगे आप इस एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे। जब आप इस एक्सटेंशन में क्लिक करें आपको ये DA इस साइट का DA 58 है, PA इसका 36 है, PA मींस पेज अथॉरिटी, DA मींस डोमेन अथॉरिटी एंड इसका स्पैम स्कोर 14 है। तो ये जो एक्सटेंशन है मोस्ट बार की आप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर देगी, आपका DA PA एंड स्पैम स्कोर भी इसका बता देगी। इसके अलावा और भी फ्री टूल्स हैं जहां से आप DA चेक कर सकते हैं अगर आप मोस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। DA चेक कर लिखा ये साइट पहली वेबसाइट आ गई, इधर जाकर साइट का URL मैंने पेस्ट किया, इसका कैप्चा क्लियर किया और मैंने इसे क्लिक कर दिया। आप ये देखें ये 58
36 सेम एज जो मोस्ट एक्सटेंशन बता रही थी 38 36 एंड एवरीथिंग ये फ्री है आप बेहतर है मोस्ट प्रोसा पहले ये यूज कर लें होप्स आपको समझ आ गई होगी डी आर मीन्स डोमेन रेटिंग डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी जिस साइट का जितना डीए बी और डी आर ज्यादा होगा वो साइट उतनी अच्छी होगी मतलब वहां पर अथॉरिटी बैकलिंक्स का बहुत ही अच्छा और क्लाइंट इस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं डीए डी आर मीन्स साइट का कितना होप्स आपको इस चीज की समझ आ गई अगर आपकी किसी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे और बहुत मजे में होंगे तो वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल उमर मलिक में होप सो जितनी भी अब तक मेरी वीडियोस आ चुकी हैं आपने इंशाल्लाह वॉच कर ली होंगी अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरी आ रही है बैकलिंक से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ व्हाट्सएप पे और आपकी कॉल को आपको कॉल भी कर लेता हूँ जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं लाइफ बिजी होता है इंसान पूरी पर्सनल लाइफ में अपने काम वर्क ईटीसी लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है इंशाल्लाह मैं आपसे कॉल पे भी कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ अच्छा तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो मैंने सोचा चलें आपको क्यों ना थोड़ा मोटिवेट ही कर दिया जाए क्या मोटिवेट हो जाए पता चले इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है और आपको अपने लास्ट एक अकाउंट सिंगल अकाउंट की अर्निंग भी शो करवाई जाए मुझे बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि सर मींस के हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं तो मैं सिंपली मैं यही कहता हूं कि आप फ्री में आपको मैं सिखा रहा हूं आप चीज़ें सीखें और वर्क करें काम करें इंशाल्लाह जहां पे आपको डिफिकल्टीज आएगी मैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करूंगा मुझे बहुत सी ऐसी क्यूरीज भी आती हैं कि नहीं सर हमने आपसे ही सीखना है और उंगली पकड़ के सीखना है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मैं उंगली पकड़ के ही सिखा रहा हूँ जितना मुझे टाइम फ्लेक्सिबल मिलता है मैं आपकी क्यूरीज को क्लियर कर देता हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं नहीं जी हमें आपका मींस के पर्सनल टाइम चाहिए आपसे ही मींस के जूम पे या फिर फिजिकली तो अभी मेरा कोई इतना सिस्टम नहीं बन रहा लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जूम पे क्लासेस स्टार्ट करवाऊँ यही जो मेरा कोर्स है सारा ये यूट्यूब पे अवेलेबल है जो नहीं इंसान अफोर्ड कर सकता कोई मसले वाली बात नहीं है वो सारी इस वीडियोस को वॉच करें जहां पे उसे प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व करूंगा अगर फिर भी किसी ने जूम पे मुझसे क्लासेस लेनी है तो फिर मैं पेड क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा क्योंकि मैं अपना टाइम कंज्यूम करूंगा फ्री में कोई वर्थ नहीं है क्योंकि मैं बहुत सी चीजें अभी फेस कर रहा हूँ लोग सीरियस नहीं लेते कुछ लोग सीरियस लेते हैं कुछ लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं वो समझते हैं फ्रीज की चीज की वर्थ नहीं है अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है टाइम आपको मैं दे रहा हूँ बहुत सी चीजें मैं स्किप करके यूट्यूब की तरफ मूव ऑन किया ताकि मैं कम्युनिटी की हेल्प कर सकूं लेकिन फिर भी कुछ लोग चीजों को सीरियस नहीं लेते सम टाइम ये होता है कि सर अगर आपके अकाउंट की अर्निंग 10 लाख रुपए पर मंथ है तो मैंने भी 10 लाख ही मुझे एक मंथ में चाहिए तो फिर मैंने कहा एक भाई थे तो मैंने कहा मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है मैंने बहुत धक्के मारे खाई हैं मैं आपको वो ही एक्सपीरियंस बहुत ही कम टाइम में दे रहा हूँ यूट्यूब पे दे रहा हूँ फ्री में सीख लें अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं सॉल्व करूंगा आप टाइम लगता है चीजों में सिखाना मेरा काम है काम करना आपका काम है मैं आपको सिखा सकता हूँ ईच एंड एवरीथिंग लेकिन काम आपने ही करना है टाइम लगता है मुझे आप यकीन करेंगे मुझे पहला ऑर्डर लेने में कम से कम 3 से 4 मंथ लग गए थे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी मेरा एक अच्छा दोस्त और मेरा कुलीग सिर्फ उसने मुझे एक बात की उसने कहा उमर मैं 3-4 मंथ में डिसाइड उसने कहा उमर 16 साल की डिग्री करने के बाद इतना पैसा यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करने के बाद क्या यूनिवर्सिटी ने डिग्री के साथ जॉब भी आपको ऑफर की है जॉब भी दे रही है हजारों ग्रेजुएट्स हर साल डिग्रीज लेके निकल रहे हैं क्या यूनिवर्सिटी ने जॉब भी ऑफर करती है मैंने कहा नहीं तो फिर उसने कहा हिम्मत क्यों हार रहे हो इसी तरह मैं सिस्टम में लोगों से मैं कहता हूं कि मींस आपको मैं उंगली पकड़ के ही सिखाऊंगा सीखना आपका काम है लेकिन आपने अपने माइंड में यही चीज रखनी है काम आपको ही करना है काम मैं नहीं करूंगा आपको मैं सिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग लेकिन काम आपको ही करना है जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में लेकिन इंसान कामयाब हो जाता है तो होप्स हो जिसको मुझसे ऑनलाइन सेशन लेना है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है मैं लिटिल बिट माइनर फीस चार्ज करूंगा ताकि वही इंसान इस कोर्स में इनरोल हो जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं कोई आपके 5-10 हजार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अर्निंग करने वाला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग जिस तरह मैं फ्री वाले कोर्स को कुछ लोग सीरियस नहीं लेते इस कोर्स को भी मैं जूम पर टाइम दूँ कुछ लोग सीरियस नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी फीस चार्ज की जाए सिर्फ वही लोग इस कोर्स में इनरोल हों जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं आने वाले वक्त जो पाकिस्तान इन्फ्लेशन है बढ़ रही है डे बाय डे कुछ अपनी जिंदगी में अपने साथ कुछ करना चाहते हैं होप सो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी
चले हम अब चलते हैं अर्निंग की तरफ। मैं आपको शो करता हूँ लास्ट मंथ की मेरी एक अकाउंट की सिंगल अर्निंग कितनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। फाइवर पे मोस्टली 3 बैच होते हैं, एक लेवल 1, लेवल 2 और एक होता है टॉप रेट। टॉप रेटेड बैच आपको जब मिलता है जब आपकी टोटल अर्निंग $20,000 होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टॉप रेटेड सेलर हूँ फाइवर पे। मैं अपनी आईडी तो नहीं शो करवा सकता, कुछ रीजंस होती हैं, लेकिन मैं आपको अपने अकाउंट की मुकम्मल अर्निंग लाइव लास्ट मंथ की अर्निंग शो करवाता हूँ ताकि आप मीन्स के मोटिवेट हो सकें और आप भी जिंदगी में अपना कोई गोल सेट करें कि सर हमने भी अचीव करना है आपकी तरह। इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इंशाल्लाह आप बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत मोटिवेट होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरी लास्ट एक सिंगल मंथ की अर्निंग है $3,000 जो राउंड अबाउट पाकिस्तानी 10 लाख PKR के राउंड अबाउट बनती है। और मैं एक टॉप रेटेड सेलर हूँ, $20,000 इस अकाउंट से मैं डन कर चुका हूँ। जस्ट ये आपको फिर मोटिवेट करने के लिए कि इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है, होप सो आपको पसंद आया होगा। तो जस्ट मैं आपको मोटिवेट करते जाना हूँ, आपने थकना नहीं है, काम करते रहना, टाइम लगता है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने काम के साथ लगे रहना है, आपने काम को छोड़ना नहीं है। होप सो इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, 1-2-3 मंथ जितना भी इंसान को टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ इंसान को चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना नजर करम बना के रखे, आप सब खैरियत से हों। तो वेलकम करता हूँ अगेन अपने चैनल उमर मलिक में। तो आज हम बात करेंगे गेस्ट पोस्ट और लिंक बिल्डिंग, कि गेस्ट पोस्ट और लिंक बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि सर गेस्ट पोस्ट और लिंक बिल्डिंग में क्या फर्क है। जो गेस्ट पोस्ट है वो एक लिंक बिल्डिंग की ही एक टाइप है, मेरी बात समझ आई? मींस के जो गेस्ट पोस्ट है वो एक लिंक बिल्डिंग की ही टाइप है। गेस्ट पोस्ट पेड होती है, क्लाइंट डिमांड भी करते हैं बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्ट की, लेकिन गेस्ट पोस्ट पेड होती है। और जो लिंक बिल्डिंग होती है जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री होती है। मींस के जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। गेस्ट पोस्ट में हम अथॉरिटी साइट से लिंक लेते हैं, मीन्स के लिंक्स को बाय करते हैं। गेस्ट पोस्ट में लाइक एज हम वेंडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। क्लाइंट हमसे डिमांड करते हैं कि मुझे एक हाई अथॉरिटी रैंक साइट से लिंक चाहिए। हम उस साइट्स पर जाते हैं जो ऑलरेडी रैंक होती है, हम उसे रीच आउट करते हैं, एज अ थर्ड पार्टी वेंडर के तौर पर काम करते हैं, हम निगोशिएट करते हैं। मींस के क्लाइंट हमें $50 का बजट दिया है, $20 हम अपना मार्जिन रखेंगे, $30 हम उसे निगोशिएट करेंगे, बात करेंगे उससे कि जनाब आप ये $30 आप रख लें और मेरी इस साइट को का आर्टिकल या लिंक अपनी साइट पर पेस्ट कर दें। उससे मींस के लाइक बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पास होती है एक रैंक साइट पर, जब आपका लिंक होता है यूज़र उस साइड रैंक साइट पर आता है और उसके थ्रू आपकी साइट पर भी गूगल आपकी साइट को रैंकिंग देता है। लेकिन गेस्ट पोस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, रीच आउट करना पड़ता है, आपको प्रपोजल लिखने पड़ता है, राइटिंग करनी पड़ती है और कुछ कुछ दिन तक सम टाइम मैंने भी किया है आपको वेट करना पड़ता है कि कब आपको रिप्लाई आता है आपकी मेल का। सम टाइम जहाँ से आप बाय करते हैं लिंक को अपने क्लाइंट की साइट के लिए, वो लिंक भी रिमूव कर देते हैं, थोड़ी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके अलावा पेपॉल, बाहर में जितने भी कंट्री होते हैं पेपॉल यूज़ करते हैं, पेपॉल का भी थोड़ा मसले मसाइल आ जाते हैं। गेस्ट पोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा गेस्ट पोस्ट बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें थोड़े मसले मसाइल भी। एज अ थर्ड पार्टी वेंडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, लिंक बिल्डिंग सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने लिंक्स खुद ही बनाने और क्लाइंट को प्रोवाइड करने। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मजीद मीन्स के मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूँ कि गेस्ट पोस्ट वर्क कैसे करती है, और लिंक बिल्डिंग तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भी क्यूरीज को क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लाइंट की साइट है और क्लाइंट ने कहा मुझे एक अथॉरिटी साइट से लिंक चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं ये एक अथॉरिटी साइट है, रैंक साइट है। क्लाइंट हमें ये भी कह सकते हैं कि मेरी साइट का लिंक या आर्टिकल आप इस रैंक साइट पे पब्लिश करवा दें या इसके किसी भी रैंक साइट के आर्टिकल पे मेरी साइट का लिंक पेस्ट कर दें। उससे ये होगा कि मीन जब इस रैंक साइट पे कोई विजिटर आएगा तो वो आपके लिंक के थ्रू, आपकी साइट के लिंक के थ्रू या आपकी साइट के आर्टिकल थ्रू आपकी साइट पे भी जाएगा, तो उससे भी आपकी साइट को रैंकिंग मिलती है। तो हम गेस्ट पोस्ट के लिए हम जो भी बड़ी साइट्स होती हैं वो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स ये सब मेंशन करती हैं, जहां से आप उन्हें आउटरीच करते हैं, या फिर वो अपनी मेल्स को भी मेंशन करती हैं जहां से हम मेल के थ्रू उन्हें मेल्स करते हैं। ये अबाउट अस में आई थिंक इन्होंने दिया होगा अबाउट अस या फिर कॉन्टेक्ट अस, इन दोनों में से एक जगह पे वो अपनी जरूर मेल देते हैं। मीन्स के लाइए कॉन्टेक्ट, आप देखें कॉन्टेक्ट अस में
ये देखें, इन्होंने अपनी मेल्स दी हुई, कॉन्टैक्ट फॉर एडिटर, ये मेल दी हुई है। आप एक प्रपोजल लिखेंगे लाइक कि ये मेरी साइट है और मैं आपकी साइट से लिंक चाहता हूँ, आप कितना चार्ज करेंगे, फिर वो आपको बताएंगे। तो यही गेस्ट पोस्ट में आ जाता है। तो इसी चीज पे हम आउटरीच करते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। समटाइम कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम मेल्स के थ्रू करते हैं। बिग प्रपोजल पूरा राइट करते हैं जिसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफ करते हैं और फिर वो हम उसे मेल कर देते हैं, फिर हम उसका वेट करते हैं। जब फिर उसका उनका रिप्लाई आता है फिर हम निगोशिएट करते हैं और डील करते हैं। एज अ थर्ड पार्टी वेंडर के तौर पर हम गेस्ट पोस्ट में काम करते हैं, मींस की चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन लिंक बिल्डिंग में सब चीज फ्री होती है और चीजें हमारे हाथ में होती है। होप्स आपको समझ आ गई होगी मेरी इस बात की कि हम अपना ये आर्टिकल सेम वैसा आर्टिकल इस साइट पर पब्लिश कर सकते हैं, निगोशिएट करेंगे हमारे साइट का आर्टिकल पब्लिश कर दें। अगर फर्दर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई जो मैंने आपको इजी वर्ड्स में समझाया, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज को क्लियर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे ऐसे अपना करम बनाए रखे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें आपको। वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल अगेन आपको उमर मलिक में। तो आज हम बात करेंगे अगेन बैकलिंक से ही बात करेंगे कि समटाइम क्लाइंट्स अपनी साइट के साथ आपको कुछ कीवर्ड्स भी देते हैं कि आपने जो लिंक्स बनाने हैं वो इन कीवर्ड्स से बनाने हैं। सिंपल, आपने जो भी बैक लिंक्स बनाने हैं इन कीवर्ड्स से बनाने हैं। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगा कि मींस कि आप कीवर्ड पे कैसे लिंक्स को इजीली बना सकते हैं। क्लाइंट आपको साइट देगा लाइक फूड फेस्टिवल, फूड नाउ, फूड, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने उसकी साइट का लिंक इन कीवर्ड्स से बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी यूजर आपकी साइट पर आता है, क्लाइंट की साइट पर आता है, वो फूड को क्लिक करेगा तो आपकी साइट ओपन हो जाएगी। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे कि कैसे आपने कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाना है। HTML कोड के थ्रू भी हम बना सकते हैं और उसके अलावा कुछ साइट्स अलाउ करती हैं, तो वो मजीद में इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कीवर्ड पे बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। होप सो आपको समझ आ जाएगी। तो मजीद आपको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। क्लाइंट आपको साइट का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ क्लाइंट आपको साइट के लिंक के साथ कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आपने जो लिंक्स क्रिएट करने हैं उन कीवर्ड्स पे क्रिएट करने हैं। लाइक यूजर उस कीवर्ड पे क्लिक करेगा तो वो क्लाइंट की साइट ओपन हो जाएगी। तो लिंक्स हम जो बनाएंगे वो कीवर्ड से बनाएंगे। समझ आ गई आपको इस बात की? मजीद मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपने कीवर्ड पे बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। एक सिंपल छोटा HTML का कोड होता है और उसके अलावा कुछ साइट्स अलाउ करती हैं कि आप कीवर्ड्स पे लिंक्स इजीली बना सकते हैं। जो कुछ साइट्स अलाउ नहीं करती वहां पे हम HTML कोड के थ्रू कीवर्ड पर लिंक्स बना लेते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। जी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपने लिंक्स क्रिएट करने हैं कीवर्ड्स पे। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और काम स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस अब हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज हम फिर बात करेंगे एक क्लाइंट हमें कैसे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकता है। क्लाइंट हमारी साइट का लिंक भी दे सकता है, जैसे कि apkswap.com के अलावा क्लाइंट ऐसे कीवर्ड्स भी दे सकता है। वो हमें ये भी कह सकता है कि लाइक कि मेरे दो कीवर्ड्स हैं, मुझे इन कीवर्ड्स पर बैक लिंक्स चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड होता है जो लाइक डैट ये है, इन द फॉर्म ऑफ HTML। इस कोड को आपने याद कर लेना है। यहाँ पर हमेशा URL की जगह पर हम ये साइट का लिंक देंगे, जैसे मैंने इधर दिया हुआ, और इधर कीवर्ड या एंकर भी से कह सकते हैं, कीवर्ड या एंकर, इसकी जगह पर हम ये अपना कीवर्ड देंगे। यहाँ पे कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है, इधर कीवर्ड भी लिखा हो सकता है, एंकर भी लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है और नीचे मैंने एक मुकम्मल एक वो कोड बनाया हुआ है HTML का। इधर आपने साइट का URL देना और इधर आपने कीवर्ड लिखा, जैसे ये प्ले कीवर्ड है, गेम कीवर्ड है, जिसका क्लाइंट आपको कीवर्ड भी दे सकता है। अब हम एक लिंक बनाते हैं, मैंने इसे कॉपी किया। आपने इधर लिंक देना साइट का और इधर कीवर्ड देना जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। एक मैंने साइट ओपन की हुई है, इधर लिखा दिस इज वेरी गुड साइट, ये डॉक्यूमेंट की साइट है। इधर मैं एंकर के ऊपर बैक लिंक बना रहा हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये बैक लिंक कीवर्ड के ऊपर बन, अब मैं इस कीवर्ड पे क्लिक करूंगा, अभी आपके सामने साइट ओपन होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम एक और लिंक बना लेते हैं, ये भी एक ब्लॉग कमेंट की साइट है। इसके सेशन में जाके हम एक और लिंक क्रिएट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इधर हमने कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे क्लाइंट की साइट का नाम हो सकता है APK दे दिया,
ये कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन चीजें होती हैं, हर साइट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो पूछते हैं साइट देखो मेरे यहाँ का रिपोर्ट है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन लाइक ये 6-4=2 इधर भी हम एक साइट के लिंक बनाते हैं, आई लाइक दिस साइट एवरी वन कैन विजिट देयर। पहले हमने गेम पे बनाया था, अब हम चले प्ले पे बना लेते हैं एक PLA। ये पोस्ट करते हैं, देखें ये जस्ट नाउ ये प्ले के ऊपर अब ये बन गया है। प्ले के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मैंने देखा प्ले के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने प्ले के ऊपर किया कि apk.zop.com साइट ओपन हो गई। तो मेरा आपको समझाने का फिर सिंपल यही मकसद है कि क्लाइंट आपको अपनी साइट का यूआरएल भी दे सकता है और क्लाइंट आपको कीवर्ड भी दे सकता है। मोस्टली क्लाइंट कीवर्ड्स देते हैं कि मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर लिंक्स चाहिए। तो आपने घबराना नहीं, कोई परेशान नहीं होना, सिंपल आपने इस कोड के थ्रू आप इजीली बना सकते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक पर जो बैकलिंक्स बनते हैं वो साइट यूआरएल पे ही बनते हैं। तो आप ब्लॉग कमेंट्स भी बना सकते हैं, आप वेब पॉइंट टू भी बना सकते हैं, फॉर्म पे भी बना सकते हैं, ईच एंड एवरी टाइप जो बैकलिंक्स मैंने आपको बनाना सिखाया है आप उस पर इजिली इसे बना सकते हैं। होप सो आप इसको वीडियो की आपको समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने जब सिर्फ इस कोड को HTML कोड को याद रखना है, इधर URL के मीन्स की इधर आपकी साइट का लिंक और इधर कीवर्ड के अंदर जो क्लाइंट ने आपको कीवर्ड या एंकर प्रोवाइड किए होंगे आपने वो पेस्ट करने हैं। और सिंपल जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया आपने ऐसे बनाते जाना है, आपके बैकलिंक्स कीवर्ड पे क्रिएट होते जाएंगे। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपने फेसबुक से क्लाइंट को हंट करना और उसके बाद फाइवर की गीड। ये कंप्लीट हमारा इंशाल्लाह कोर्स अभी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर हम बात करने लगे हैं कि फेसबुक से कैसे क्लाइंट हमने हंट करना है। हमने स्किल तो सीख ली है, स्किल तो हमने सीख लिया है, अब जो हमने सीखना है कि मीन के फेसबुक से हमने कैसे क्लाइंट को हंट करना है। स्किल सीखने के बाद हमें क्लाइंट चाहिए जहां से हमें पैसे आएंगे। स्किल को सेल भी तो करना है, स्किल को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे ना। तो फिर आज हमने बात करनी है फेसबुक से क्लाइंट को हमने कैसे हंट करना है। जो मेरा पहला क्लाइंट था वो भी फेसबुक से था और आज तक मेरे साथ वो एजेंसी काम कर रही है। मुझे पहला क्लाइंट फेसबुक से ही मैंने हंट किया था और मुझे हंट करने में भी 2-3 मंथ पहले लग गए थे अपने पहले ऑर्डर में, और मुझे 2 मंथ के बाद अपना पहला ऑर्डर फेसबुक से मिला था। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पे काम कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो मुझे क्लाइंट मिला था वो फेसबुक के थ्रू ही मिला था। और आप यकीन जानिए फेसबुक पे ऐसे ऐसे क्लाइंट आप इमेजिन नहीं कर सकते। जस्ट आपने क्या करना है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, उधर जाके अपनी पोस्टें करनी है अपनी स्किल से रिलेटेड कि मैं इस टाइप के बैकलिंक्स बना लेता हूं। खुद आपके पास क्लाइंट आएगा, वो आपसे सैंपल भी डिमांड कर सकता है कि जो आपने सैंपल बनाया आप उन्हें वो प्रोवाइड करें। आपने मुख्तलिफ पोस्ट क्लाइंट्स करते हैं, आपने उनके नीचे कमेंट करना है, आपने बताना है, आपने जस्ट क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, आपने अपने सैंपल दिखाने, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, कम्युनिकेशन करनी है। आपने सिर्फ उसे ये चीज उसके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ इस काम को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं, सिर्फ ये चीज। आपको वहां पे इंडियंस भी मिलेंगे, आपको वहां पे पाकिस्तानी भी मिलेंगे, आपको वहां पे बांग्लादेशी भी मिलेंगे क्लाइंट्स, लोकल क्लाइंट्स, और इसके अलावा आपको वहां पे गोरे भी मिलेंगे, गोरे जो आपको पेमेंट्स डॉलर्स में करते हैं। मेरे साथ वो एजेंसी 3 साल से अभी तक है जो मुझे अमाउंट पेमेंट अभी भी डॉलर्स में करते हैं। तो जब एक अच्छी खासी अमाउंट हर मंथ आपके पास डॉलर्स में आती है तो फिर आपको पता है कि जब डॉलर्स में पेमेंट है पाकिस्तान में कन्वर्ट और PKR में तो कितनी अमाउंट मिलती है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि फेसबुक पे स्कैम भी होते हैं, आपने उससे भी बचना है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, फेसबुक पे स्कैम भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं उस दर हाईली पे क्लाइंट्स भी होते हैं जिसमें ज्यादातर गोरे होते हैं। आपको हर तरह के पीपल फेसबुक पे मिलेंगे। आपने हमेशा अपनी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ अच्छी रखनी है और क्लाइंट को आपने मुकम्मल सेटिस्फाइड करना है कि ये काम आप 100% बेटर तरीके से कर सकते हैं और आप उसकी साइट को एक अच्छी रैंकिंग अपने लिंक के थ्रू दे सकते हैं। आप उसका काम बहुत अच्छे तरीके से और सेटिस्फाइड तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा फेसबुक से क्लाइंट हंट करने में और आपको यकीन जानिए
कि सबसे आसान जरिए क्लाइंट हंट करने का फेसबुक है। आपको दूसरे अकाउंट्स रैंक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है लाइक दूसरे प्लेटफॉर्म से, लेकिन फेसबुक पे क्लाइंट इंस्टेंट आपको पेमेंट्स होती हैं, इंस्टेंट आपका काम अप्रूव होता है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन आपने अपने स्कैम को भी देखना है कि आपके साथ कोई किसी तरीके का स्कैम ना हो जाए। आपने अपनी लिस्ट वगैरह, अपने सैंपल वगैरह भी क्लाइंट के साथ शेयर करने हैं। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज फेसबुक के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें क्लाइंट फेसबुक के थ्रू मिला है। सिर्फ मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्लाइंट्स मिले हैं वहां से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। चले अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको बताता हूँ आपने फेसबुक से क्लाइंट को कैसे हंट करना है, कैसे पोस्टें करनी है, कैसे पोस्टों के नीचे कमेंट्स करना है, कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी है, क्लाइंट्स को कैसे आपने देखना है, आपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल चेक करनी है कि वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है, वो काम कैसा चाहता है, वो काम कैसे करवाना चाहता है, आपने उसे कैसे काम प्रोवाइड करना, ईच एंड एवरीथिंग। फेसबुक से क्लाइंट करना सबसे ईजी काम जो है फेसबुक से क्लाइंट हंट करना है। अगर आपने फेसबुक से क्लाइंट हंट करना सीख लिया, एक भी क्लाइंट आपको फेसबुक से मिल गया, फेसबुक पर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलें आप चलते हैं स्क्रीन की तरफ और फिर बात करते हैं कि हमने फेसबुक से क्लाइंट कैसे हैंड करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अब हमने स्किल तो सीख ली है, अब स्किल को सेल भी करना है ना। स्किल को सेल करेंगे तो पैसे हमारे हाथ में आएंगे ना। खाली स्किल सीख लेना भी बहुत कुछ नहीं होता जब तक हमारे हाथ में कोई क्लाइंट ना आए। क्लाइंट ही तो हमें पे करेगा। जब क्लाइंट हमें पे करेगा तो हमें फिर मजा भी आएगा काम करने में जो हमने स्किल सीख लिया है। स्किल सिर्फ यही है जब तक मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं यही चीजें प्रोवाइड करता हूं। अब सिर्फ जस्ट बारी है क्लाइंट की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फाइबर के बारे में देखो, फाइबर पर गिग कैसे बनानी है। चलें अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और अब हमने देखना है कि कैसे क्लाइंट को हमने हंट करना है फेसबुक के थ्रू। चलिए अब हमने स्टार्ट करते हैं कि हमने फेसबुक से क्लाइंट को हंट कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपनी फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपने ग्रुप वाले सेशन में लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन होता है ग्रुप्स का, जहाँ पे आप ग्रुप्स को सर्च करते हैं, आपने वहाँ पे जस्ट बैकलिंक्स लिखना है। जब आप बैकलिंक्स लिखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे ग्रुप्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पे रोज डेली का आप यकीन करें कि 1000 ऑफ पोस्ट आती हैं बैकलिंक से रिलेटेड। लोग अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और जो क्लाइंट्स भी पोस्ट करते हैं कि हमें लाइक्स के बैकलिंक्स ही नीड है। वन बाय वन हम ग्रुप्स को ओपन करेंगे, आपने सब ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है कि आप फेसबुक से भी क्लाइंट को इजीली हंट कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपने जस्ट जाके उधर पोस्ट पर कमेंट्स करना है। आपने पोस्ट भी आप इजीली कर सकते हैं कि मेरे पास जिस टाइप के बैकलिंक्स अवेलेबल है मैं आपको इतने टाइम में प्रोवाइड करूंगा। आपने क्लाइंट्स के साथ खासतौर पर गोरों के साथ आपने अपनी शीट भी प्रोवाइड करनी है। चलें मैं जैसे मैं सबसे पहले यही मैं एक पहला ग्रुप ओपन कर लेता हूँ SEO backlink, SMM digital marketing, gas post related. Gas post related और backlink related भी दोनों ग्रुप मर्ज हो सकते हैं, means के एक ही टाइप के हो सकते हैं। आपने जितने भी backlink से related हो या gas post related आपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। backlinks के लिए बहुत से क्लाइंट पोस्ट करते हैं कि उन्हें backlinks की जरूरत अपनी साइट्स के लिए, और कुछ हम जैसे सेलर्स भी होते हैं जो ग्रुपों में पोस्ट करते हैं कि मैं ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मुझसे बाय कर सकते हैं। Like जैसे हम जैसे पहले सबसे पहले इस ग्रुप को ओपन करते हैं, आप जैसे देख सकते हैं 193 के, इसमें 200,000 मेंबर्स हैं और डेली हजारों पोस्ट 100 ऑफ पोस्ट में आती है। सबसे पहले हम इस ग्रुप को ओपन करते हैं और इसे आप ये देख एनीवर्ड मेकिंग बैकलिंक आई हैव अ वेबसाइट, ये देखें पहली मैंने पोस्ट ओपन किया और पहली पे 3 hours पहले ये पोस्ट आई हुई है। आपने इधर जाके पोस्ट के नीचे कमेंट करना है। इधर आपको गैस पोस्ट से रिलेटेड भी मींस के आपको साइट्स नजर आएंगी कि लोग गैस पोस्टिंग का काम भी करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं हम फ्री वाला काम करते हैं। गैस पोस्टिंग आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट है। तो आपने जैसे ये पोस्ट आपको पहली पोस्ट नजर आई है रिलेटेड आई एनीबॉडी मेकिंग बैकलिंक्स आई हैव अ वेबसाइट्स, आपने इधर जाके पोस्ट भी करना है। आपने क्लाइंट को मैसेज भी करना है, क्लाइंट से निगोशिएट करना है कि मैं आपको इतने टाइम में इतने बैकलिंक्स ये वाले प्रोवाइड करूंगा, इस मेरे बैकलिंक से ये सारे हाई अथॉरिटी होंगे और आपकी साइट रैंक करेंगी। इस तरह बहुत सी पोस्टें आपको नजर आएंगे। आप इधर खुद से भी पोस्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे हम ग्रुप्स चेक कर सकते हैं, लाइक जैसे ये किसी बाहर की डच जमान में आई थिंक सही थे। उसके अलावा अगर हम इसे ओपन करते हैं 40,000 मेंबर है, इसे ओपन करते हैं, गैस पोस्टिंग से रिलेटेड है ये ग्रुप। आपको बहुत से ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर आप इजीली काम कर सकते हैं। आपको इजीली हर चीज अवेलेबल होगी। SEO बैकलिंक्स ये थोड़ा आई नीड ब्लॉग कमेंट्स बैकलिंक एनीवन कैन प्रोवाइड मी थैंक्स, इससे रिलेटेड ये पोस्ट थोड़ी ओल्ड लग रही है मुझे,
लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से हद से ज्यादा आपको यहाँ पे क्लाइंट्स अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप इजीली सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। नीड ब्लॉग कमेंट एंड फॉर्म बैकलिंक्स क्रिएट, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग कमेंट बनाना सिखाया है, अब आपके ये सामने है फॉर्म बैकलिंक्स ही नीड है। देखिए अवेलेबल इन लो प्राइस, अमेजिंग ऑफर अवेलेबल। आपने जाना है, आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट करनी है कि मैं आपको ये लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके अलावा जो ऑलरेडी लोग वहां पे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं कि मुझे अपनी साइट के लिए लिंक चाहिए, आपने जाना है क्लाइंट को मैसेज करना उसके इनबॉक्स में, आपने अपने सैंपल लाजमी के साथ शेयर करने हैं। जब भी मैं बार बार फोकस आपको करता हूँ कि आप प्लीज 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 आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादातर आपसे सैंपल डिमांड करते हैं। आपका इधर स्कैम भी हो सकता है, लेकिन जब आप ऑथेंटिक बात करेंगे तो इंसान को पता चल जाता है कि इंसान पर्सन काम करने वाला ऑथेंटिक है या टाइम वेस्ट है या क्या सिस्टम है। आपने उसे तरीके से बात करनी, आपने उनसे सैंपल शेयर करने हैं, आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करके उसमें पोस्ट भी करनी है सर्विस रिलेटेड। ये तो एक बायर ने पोस्ट की हुई है, इसके अलावा आप खुद एक सेलर बन के भी इधर पोस्ट कर सकते हैं, हाय आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, लाइक मैं ब्लॉग कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं प्रोफाइल बैक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको मुकम्मल अच्छे से काम प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे सैंपल भी देख सकते हैं, आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी, लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ब्रीफ कर सकते हैं। जो मेरा समझाने का आपका मेन मकसद है, जो मैं सबसे पहला ऑर्डर फेसबुक के थ्रू ही मिला था, आपने मुख्तलिफ बैक लिंक या पोस्ट रिलेटेड आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, डेली कम से कम आपने हर ग्रुप एक पोस्ट करनी है, आपने सुबह शाम चेक करना है जो भी क्लाइंट पोस्ट करें बैकलिंक से रिलेटेड, लाइक कि क्लाइंट को बैकलिंक से नीड, आपने उसे लाजमी कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद आपने उसे इनबॉक्स भी करना है। आपने घबराना नहीं, आपको एक दिन भी लग सकता है, दो दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लगता है, मंथ भी लग सकता है, लेकिन जब आप यकीन करें जब आपने पहला अपना एक और डॉलर अर्न कर लिया, पहला एक डॉलर अर्न कर लिया, तो आप समझ जाए अगर आप एक डॉलर अर्न कर सकते हैं तो आप 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है पेशेंस नहीं होती। आम सोचते हैं आज हमने मींस की ग्रुप ज्वाइन किया, आज हमने कोर्स ज्वाइन किया, बस अर्निंग स्टार्ट हो गई। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जो मेरे सर ने मुझे समझाई थी, यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ आपको जॉब नहीं देती, जॉब के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, कोर्स आपने सीख लिया, कोर्स आपने कर लिया प्रैक्टिस, अब आपने हाथ पांव मार, अल्लाह ताला वसीला बनाने वाला है, आपने तमाम ग्रुप्स जो बैकलिंक से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है आपने सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, वन बाय वन इनके अंदर पोस्ट करनी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको क्लाइंट मिलेगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने फेसबुक से क्लाइंट हैंडल कैसे करना है, उसके साथ अपने सैंपल भी शेयर करने हैं, आपने साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करनी है, आपने उसकी वेबसाइट भी चेक करनी है, आपने उसे मजीद सजेशन भी देने हैं। स्कैम भी होता है क्योंकि फेसबुक है, आपने थोड़ा बहुत उस चीज से भी अवॉइड करना है। आपको यहाँ पे लोकल गोरे क्लाइंट्स मिलेंगे, मैं इस चीज को लिखने देता हूँ, आपको यहाँ पे लोकल गोरे क्लाइंट्स, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स जो आपको परमानेंटली हायर कर लेती है और मंथली बेस पे कम से कम $500 से $700 आपको पे करती हैं। होप सो आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी कि आपने फेसबुक से कैसे क्लाइंट हैंडल करना है। इंशाल्लाह मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको फाइवर की तरफ ले जाऊं और फाइवर पे केक बनाना स्टार्ट कर दें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चले फिर आ जाए, आज बात करते हैं हम फाइवर की। स्किल तो अब हमने लर्न कर ली, अब हमने स्किल को सेल करना है, सेल मीन अब हमने फाइवर का अकाउंट बनाना है, फाइवर की गिग बनानी और आपने अपनी स्किल को फाइवर पे सेल करना है। फाइवर मींस डॉलर्स की दुकान। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी अर्निंग है वो सारी फाइवर से है, जिस तरह मैं लास्ट वीडियो में शो भी कर चुका हूं कि फाइवर जो है डॉलर की बरसात है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, एसईओ कर लेते हैं, अगर आपकी गिग रैंक हो जाती है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम मिलता है कि आप मैनेज ही नहीं कर सकते। तो आज हमने सिंपली जो मुद्दे की बात है, सीधी बात, स्ट्रेट बात है कि आज हम बनाएंगे फाइवर अकाउंट, फाइवर की गिग की एसईओ कैसे करनी है, अपने अकाउंट को रैंक कर कैसे करना है। बस अब हमने स्किल सीख ली, अब हमने अपनी स्किल को फाइवर पे सेल करना है और डॉलर्स में अर्निंग करनी है। जब आपको पता है कि एक डॉलर राउंड अबाउट अब 300 का है, अगर आप मंथ का $1,000 भी बना लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मंथ में ₹3,00,000 अर्निंग कर लेंगे इजीली। चले अब हम चलते हैं फाइवर की तरफ और बनाते हैं फाइवर अकाउंट। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, जैसे जैसे पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, फाइवर गिग बनाऊंगा, आपने वैसे उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी फाइवर गिग को ऑप्टिमाइज करना, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर जरूर आएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपने अकाउंट को कैसे बनाना है, वैसे ही मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूँ फाइवर के, और वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने भी फाइवर का अकाउंट ऐसे बनाना है। इजिली 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है, इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी,
इंशाल्लाह जैसे ही हम अपने फाइवर अकाउंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, फाइवर गिग को बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, अपने अकाउंट्स को ऑनलाइन रखना है, अपनी चीजों को चेक करते रहना है कि ईच एंड एवरीथिंग आपने वैसे ही बनाई है जैसे मैंने आपको बनाना सिखाई थी, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपने अकाउंट को वैसे ही ऑप्टिमाइज करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने अकाउंट को वैसे ही ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपकी गिग ऑप्टिमाइज होगी तो आपकी गिग रैंकिंग में आएगी, जब रैंकिंग में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, अर्निंग स्टार्ट होगी तो आपके पास डॉलर्स आएंगे और आप इजीली एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अर्निंग कर रहा हूं और साथ साथ मैं चाहता हूं आपको स्किल सीख ले, अब आपने स्किल को सेल करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग के बारे में, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपने फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, फाइवर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अपने अकाउंट को ऑनलाइन रखना है और जैसे ही आप अपने अकाउंट्स को मींस के अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करेंगे गिग आपकी रैंक होगी इंशाल्लाह और आपको ऑर्डर्स की बरसात होगी। जब आपको ऑर्डर्स की बरसात होती है तो यकीन करें आपसे काम भी नहीं संभाला जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अपने फाइवर का अकाउंट ऐसे ही ऑप्टिमाइज करेंगे इंशाल्लाह आपको ऑर्डर जरूर आएंगे। बस आपने थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और काम को जैसे जैसे मैं चीजों को बताता जाऊंगा आपने वैसे वैसे काम को करते जाना है। चलें अब चलते हैं फाइवर स्क्रीन की तरफ और बनाते हैं आज अपना फायर अकाउंट और गिग को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जब हम अर्निंग करें वो डॉलर्स में करें। जब आपके डॉलर से आप पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे अपनी अर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पर मंथ, $1,000 मींस 3 लाख रुपए पर मंथ। चलें आप चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अपना अकाउंट क्रिएट। आपने सबसे पहले अपने क्रोम में जाके आपने फाइवर सर्च करना है, फाइवर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल से साइन अप हो जाएगा और सबसे पहले जो आपको ऑप्शन देगा आपके नाम का ऑप्शन देगा, अकॉर्डिंग टू अपने नेम आपने अपना नाम रख लेना है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर लगानी है वहां पे और डिस्क्रिप्शन में 2-3 लाइन अपने बारे में लिख देना है। लाइक आप लिखने के मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन काम जो असल काम हमारा वो शुरू होता है वो होता है गिग बनाने से। तो चले अब हम चलते हैं गिग बनाने वाली साइड पे। ये मैंने पेज ओपन कर लिया गिग बनाने का। सबसे पहले आपने अपना एक टाइटल बना लेना है। टाइटल बनाने के लिए आप इधर से सर्च कर सकते हैं लाइक बैकलिंक्स, जो मैंने आपको सर्विस सिखाई है जो आपने सर्च कर लेना है बैकलिंक्स। आपको इधर आपके सामने काफी सारी गिग्स, बहुत सारी गिग्स ओपन हो जाएंगी। जैसे बहुत सी गिग्स ने इधर अपना टाइटल बनाया हुआ है तो आप भी अपना ऐसा इजीली टाइटल बना सकते हैं लाइक आई विल प्रोवाइड यू हाई अथॉरिटी बैकलिंक, आई विल प्रोवाइड यू मैनुअल बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, वेब पॉइंट टू बैकलिंक। बस आगे नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपको सबको ये चीजें क्लियर करूंगा। तो मैंने इन सबको देख के यहाँ पे टाइटल बनाया आई विल मेक हाई अथॉरिटी मैनुअल वाइट हैड टू फॉलो एसईओ बैकलिंक। बाकी ये चीजें मैं आगे आगे क्लियर कर दूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी पहले ही बना ली है। तो अब चलते हैं गिग बनाने की तरफ। इन सब गिग्स को देखते हुए मैंने अपना टाइटल बनाया, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख ली, मैंने अपनी सर्विस रिलेटेड बता दी कि मैं कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वेब पॉइंट टू बैकलिंक, प्रोफाइल, इमेज सबमिशन फॉर्म, पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंट्स। ये जो बिल्कुल सब चीजें हैं, ये जितनी भी मींस के जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑलरेडी इनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आपने इन सारी वीडियोस को 2-3 बार अगेन वॉच करना, आपको समझ आ जाएगी। और एंड पे मैंने इसके थोड़े से एंड पे इसके टैग्स भी होते हैं, टैग्स पे मैं आपको बता दूंगा। आप ये सारी एक एक सर्विस की अलग अलग सेपरेट गिग बन सकती है। आपने इजिली आराम से इस चीज को आपने अपने राइट डाउन कर लेना है, मींस के डिस्क्रिप्शन बना लेना, टाइटल बना लेना, दूसरी गिग्स को देखते हुए कीवर्ड को सिलेक्ट करते हुए और इजीली आप अपनी गिग बना सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, अपनी गिग को पब्लिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका टाइटल लिख लिया, आई विल मेक हाई अथॉरिटी मैन ऑफ वाइट हैड बैकलिंक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई विल मेक हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक, आई विल मेक वेब पॉइंट टू बैकलिंक, आई विल मेक ब्लॉग कमेंट अथॉरिटी बैकलिंक। इस तरीके से सबसे पहले आपने कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने इधर से एसईओ सर्च इंजन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने ऑफ पेज को सिलेक्ट कर लेना है, उस कर लेना है। फिर आपको ये लैंग्वेजेस शो होंगी और आपको ये इंडस्ट्रीज शो होंगी, आपने इन सारों को सिलेक्ट कर लेना है। मैं रैंडमली 2-4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसके बाद आपने लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेजेस में भी आपने सारी लैंग्वेजेस को इजिली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स के। पॉजिटिव कीवर्ड्स मींस कहते हैं टैग्स को। टैग्स क्या होते हैं मैं आपको शो कराता हूं। गिग के एंड पे कुछ कीवर्ड, एक तो टाइटल में हम कीवर्ड्स यूज करते हैं और एक कुछ गिग के एंड पे
टैग्स होते हैं, ये टैग लाइक ये देखे प्रोफाइल बैकलिंक, अथॉरिटी बैकलिंक, मैनुअल बैकलिंक, आईडीएफ, इन्हें टैग्स कहते हैं। समझ आ रही है आपको? इन्हें टैग्स कहते हैं। आपने ये पांच टैग्स आपने 10-15 गिग्स पहले ओपन कर लेनी है, उनमें जो कंबाइंड टैग्स होंगे, जो मीन्स के बहुत सारे गिग्स में एक साथ यूज हो रहे हैं, आपने वो टैग्स फाइंड करने हैं और आपने अपनी गिग में पुट कर देना है। आपने ट्राई करना है जो टैग आपके टाइटल में हो वो हो, वो आपके टैग्स में ना हो। इधर तक आपको टैग्स की भी समझ आ गई, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपने अपने कंप्यूटर को देख के बना लेनी है टाइटल भी और टैग्स भी। अब हम चलते हैं अगेन गिग पे। अब हमने प्राइसिंग में आनी है। प्राइसिंग में आप कुछ भी लिख सकते, लाइक आप 50 बैक लिंक्स दे रहे हैं, 50 हाई अथॉरिटी, स्टैंडर्ड में आप 100 बैक लिंक्स दे रहे हैं, प्रीमियम में आप 150 बैक लिंक्स दे रहे हैं, ठीक है। आपने फ्लैट किया ऑफ पेज, ऑफ पेज के तरह बैकलिंक एनालिसिस, आप ये प्रीमियम में बैकलिंक एनालिसिस दे सकते हैं, मींस कि आपकी साइट पर जो ऑलरेडी बैकलिंक बने हुए कैसे हैं या फिर आपके कंप्यूटर के बैकलिंक कैसे हैं। आप प्राइस को सेट कर सकते हैं जितने आपको अफोर्ड होगा, $5 कर लें, $10 कर लें, $30 कर लें, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एंड आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, जैसे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में आपने डिफाइन करना होता है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इधर लिखा बैकलिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड द हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक दैट हैव अथॉरिटी बैकलिंक, मींस कि मैं डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं। डू फॉलो नो फॉलो को भी पूरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। मेरे बैकलिंक में जैसे आपको ट्रैफिक जनरेट होगी, बेनिफिट्स हैं कि अपनी साइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी, ट्रैफिक इंक्रीज होंगे, कीवर्ड बूस्ट होंगे, सर्विस में ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एंड पे मैं आपको बैकलिंक की कंप्लीट एक शीट प्रोवाइड करूँ जो अपने मैं क्लाइंट को दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में आप अपने कंप्यूटर्स को देख के अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मीन्स की एसईओ क्या होती है, डू फॉलो बैकलिंक्स के बारे में आप बता सकते हैं, एसईओ के बारे में बता सकते हैं, आपने गारंटी, हाँ आपने रैंकिंग गारंटी किसी क्वेश्चन में नहीं देनी, किसी क्लाइंट को नहीं देनी, आपने कहना वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ग्रंट आपकी साइट बूस्ट होगी। इस तरह 2-4 क्वेश्चन आपने अपने कंप्यूटर्स को देख के अपने इसमें अपनी वर्डिंग में कॉपी पेस्ट, आपने पिच कोई चीज नहीं करनी, फाइबर आपकी गिग को डिनाई कर सकता है, आपने पेस्ट कर देने हैं। आप कर आप चाहें तो आप इसमें आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, और अगर आप ना चाहें तो आप ना नहीं ऐड करें, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसके अंदर आपने देना के वो पूछता है कि आपको क्लाइंट से क्या चीज रिक्वायर्ड है, तो आपने लिखना है आई नीड वेबसाइट लिंक आल्सो कीवर्ड्स। मैंने वो कीवर्ड से बैकलिंक बनाना भी सिखाया है और साइट के यूआरएल पर लिंक कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपने तो लिखना मुझे कीवर्ड्स और मीन्स के वेबसाइट का लिंक चाहिए, आपने इसे ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपने मैंने यहाँ पे पिक्चर मैंने बनाई है कैनवा के थ्रू, आपने पिक्चर इजीली कैनवा के थ्रू बना लेनी, आपने इसका साइज सेलेक्ट करना है 730x460 समथिंग इस तरह होता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैनवा फाइवर की, सॉरी मैं वर्डिंग में फाइवर की इमेज साइज, ये देखें साइज दोनों रिकमेंड किए हैं उसने, मिनिमम साइज और रिकमेंड साइज, इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है। कैनवा हर किसी को आता है चलाना, मीन्स कैनवा किसी को यूज करने का पता है। आपने सिंपली इधर जाके अपनी गिग की इमेज बनानी है, आपने इसे ब्लैक कर देना है और इधर से आपने वर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं, लाइक आपने अच्छी सी इमेज अट्रैक्टिव सी बनानी है ताकि बायर आपसे इम्प्रेस हो सके। मेरा कीवर्ड हाई अथॉरिटी मैनुअल बैकलिंक, ठीक है, आपको इस चीज की समझ आ गई। इस तरह आपने एक गिग पर आपने गिग की पिक्चर बना लेनी अच्छी थी और उसके बारे में मजीद आपने लिखना है कि अथॉरिटी बैकलिंक है या मैं वेब पॉइंट टू बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा हूं या प्रोफाइल बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ अपनी पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसकी इस तरह आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं इजिली, लेकिन आपने जो है अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बनाना है। अच्छा से अच्छा एक जस्ट मैं आपको रैंडमली तेज से मैं बताऊंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो, आपने इसको थोड़ा टाइम लगाना है। पिक्चर को अपने कंप्यूटर को देख के आपने एक अच्छी सी पिक बना लेनी है, साथ आपने अपनी तस्वीर भी लगानी है। अगर आप अपनी पिक लगाते हैं साथ तो एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने इस पिक को डाउनलोड कर लेना पीएनजी में, पीएनजी में डाउनलोड करने के बाद पीएनजी में डाउनलोड करने आपने इस तरह अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। किसी एसईओ टेस्ट भी आ सकता है तो आपने गूगल से हेल्प लेके एसईओ टेस्ट को क्लियर कर, होप सो आपको इस बात की समझ आ गई मेरी। इंशाल्लाह कल आज ही इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियोस आ रही है प्रोफाइल बैकलिंक की सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और डेली का 10-15 हजार आप कैसे कमा सकते हैं इजिली। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह
आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक पे मेरे पेज ग्रुप में आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी सारी क्यूरीज को क्लियर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फिर आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे की। स्किल हमने सीख ली है, स्किल जो मैंने आपको सिखा दी है, अब आपने इसे सेल करना है। मैं आपको लाइव ऑर्डर क्यू में दिखाऊंगा, लाइव ऑर्डर क्यू में जो स्किल मैंने आपको सिखाई है उसके लाइव ऑर्डर क्यू में मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग रोज डेली का 15,000 से 20,000 क्या 50,000 बना रहे हैं, 50,000। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अच्छी खासी अर्निंग डेली की करता हूं। सिर्फ आपको वो जो स्किल है जो हमने सीख ली है वो उसके लाइव ऑर्डर जो क्यू में है मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आपने वो देखना है कि लाइव ऑर्डर क्यू में है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। आपको मैं प्रोफाइल बैकलिंक्स की लाइव गिग्स दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने इस गिग को कैसे बनाना है और आपने भी ये सेम सर्विस आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे क्लाइंट को आपने ये सेल करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आप यकीन करें, आप सेम टू सेम ऐसे गिग बना लें, आप ऑनलाइन रहें। जिन लोगों को, मेरे भाइयों बहनों को नहीं पता प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में, उस लास्ट वीडियो का जो मैं है लिंक, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी वॉच कर लें। और गिग बनाने की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, गिग बनाने की ऑलरेडी वीडियो लास्ट वाली मैं बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सेम टू सेम वैसे गिग बनानी है, अपने आप को ऑनलाइन रखना है और आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी। आप यकीन जाने 15,000 से 20,000 रुपए डेली का कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लिंक्स बनाने पड़ते हैं। जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं आप लाजमी एक बार मेरी वीडियो देखें प्रोफाइल बैक लिंक्स के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान काम है। आप यकीन करें कि आप 1 से 1.5 घंटे में इजीली कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मुझे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, मैं आपकी क्यूरीज को क्लियर करूंगा। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि लाइव ऑर्डर कितने क्यू में है, कितने क्यू में, और डेली का 15,000 से 20,000 बनता है या नहीं बनता। इवन के 30,000-40,000 भी मेरे कुछ दोस्त जानने वाले हैं, वो 30,000-40,000 भी डेली का बना रहे सिर्फ और सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करके। चलें हम, बिल्कुल इजी काम है, कोई मसले मसाले वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने गिग बनानी है, वो सर्विस को प्रोवाइड करना है आपने और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आएंगे और आप डेली का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप डेली का 15,000 से 20,000 रुपए इजीली बना सकते हैं। चलें अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको मैं लाइव ऑर्डर क्यू में दिखाता हूं। जी आपने फिर ऐसे फाइवर पे जाना है, फाइवर पे जाके आपने लिखना है प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स आपको मैं ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूं कि प्रोफाइल बैकलिंक्स कैसे बनाने। सिर्फ ये सर्विस सेल करके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप डेली के 10-15-20,000 कम से कम आराम से इजीली कमा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके सामने प्रोफाइल बैकलिंक्स मैंने कीवर्ड सर्च किया फाइवर पे जाके आपको दिखाने के लिए, इसमें कितना कंपटीशन है, मींस के कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। रैंडमली गिग्स को ओपन कर लेते हैं, जस्ट आपको मैं दिखा देता हूं कि कितने ऑर्डर्स क्यू में हैं, कैसे लोग सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन्हें ओपन किया, अब आप ये देखेंगे 50 बैकलिंक, सिर्फ 50 प्रोफाइल बैकलिंक, सिर्फ 50 7,000 रुपए में, स्टैंडर्ड में 114,000 में, प्रीमियम में 150 बैकलिंक्स आप इजीली एक दिन में। मैं पहले खुद बनाता था, सिर्फ प्रोफाइल के तरह आपने क्लाइंट की साइट का लिंक पुट करना था, बना सकते 9 ऑर्डर्स क्यू में है। एक ऑर्डर भी अगर आप करते हैं, चले 2 दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कर लेते हैं आप, तो आप इजीली 22,000 कोई छोटी रकम इजीली आप बना सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया आपने गिग कैसे बनानी है, गिग का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो मैंने प्रोफाइल बैक लिंक कैसे बनाने हैं उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली प्रोफाइल बैक लिंक बना सकते हैं। आप ये देखें कि इनके 9 ऑर्डर्स इस टाइम क्यू में है, इसी तरह ये देखें 5 ऑर्डर्स इन क्यू में है। आप इजीली 100-200 प्रोफाइल बैकलिंक 7 डेज में 5 ऑर्डर्स क्यू, मीन्स 11,000 इजीली। इसके लिए आप इस पे चलते हैं, देखें 200 प्रोफाइल बैकलिंक्स इनका 1 ऑर्डर्स क्यू में, अगर एक ऑर्डर भी आप इजीली कर लेते हैं तो आप समझे कि कितना पोटेंशियल है इस स्किल में।
इस कैटेगरी में कितना है कि आप जस्ट प्रोफाइल बैकलिंक से, ओनली प्रोफाइल बैकलिंक से एक ऑर्डर पे अगर आप कंप्लीट करें तो 22,000 आप इजीली आराम से एक दिन में बना सकते हैं, दो दिन में कर लें, दो दिन में बना सकते हैं। तो आपने सिंपली इसी तरह आपने अपने प्रोफाइल्स का लिखना, आप इधर 150 की जगह आप 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी, 300 भी, जितना प्रोफाइल बैकलिंक्स आपको बनाना है, प्रोफाइल बैकलिंक्स की पूरी शीट्स गूगल पे अवेलेबल है। और जैसे मैंने वीडियो में आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना सिखाया, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गिग हमने कैसे बनानी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो भी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली बना सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजीली सर्विस को आप प्रोवाइड करें, इसकी गिग बनाएं, पब्लिश करें, इजीली आप प्रोफाइल बैकलिंक्स की गिग बनाएं और अपनी गिग को पब्लिश करें फाइवर पे। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपने ऑनलाइन रहना है, अपना ज्यादा टाइम देना फाइवर को, चीजों को सर्च करनी है और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे। आप एक भी ऑर्डर्स कर लेते हैं, अभी तो 9 ऑर्डर्स हैं, जैसे जैसे ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाते हैं इनके पास ऑर्डर आते जाते हैं। तो अभी अभी देख ले कि 9 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में इजीली, जिसमें सिर्फ ये 22,000 में 150 बैकलिंक्स प्रोफाइल प्रोवाइड करें। ऐसे ही आप अपनी गिग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे गिग बनाएं, प्रोफाइल बैकलिंक्स की गिग, यहां से आप आइडियाज लेके दूसरी गिग से, और बस इंशाल्लाह स्किल आपके पास आती है, गिग आपने बनाया, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे और आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपने टाइम देना, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि फोकस स्किल पे करें। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।